हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज 10th क्लास के IT में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने एक और नए यूनिट को, और फ्रेंड्स इस यूनिट का जो नाम है वो अपने पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को, और फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर यानी कि यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे केवल कॉन्सेप्ट्स को ही, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें फ्रेंड्स ये अपने पास टॉपिक फिर कंटिन्यू चलता जाएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स इन सारे टॉपिक्स को जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले, इन सभी को हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक करके प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, जो प्रैक्टिकली का जो टॉपिक है, वो है अपने पास यहाँ पर बेस सॉफ्टवेयर। अपने आप में एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट कर देने के बाद वो यानी कि बेस सॉफ्टवेयर जो है हमें परमिशन देता है, आप उसमें 4 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप डेटाबेस के अंदर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपनी क्वेरी को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रैक्टिकली आगे चलते हुए इसी टाइप से हम लोग और यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने टेबल को क्रिएट करते हैं, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो टेबल है, डेटाबेस के अंदर हम लोग यहाँ पर जो क्वेरी बनाने वाले हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अपने यहाँ पर सिलेबस के अंदर, फ्रेंड्स उन सारे टॉपिक्स को हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले होंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा थ्योरिटिकल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जाम में अपने पास यहाँ थ्योरी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स जो अपने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर अपने कुछ कॉन्सेप्ट को। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आखिर अपने पास में यहाँ पर डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, और देन हम लोग बात करेंगे डेटाबेस को लेकर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है। अब टेबल आप सब समझते हैं, ठीक है, जैसे ही अपने पास किसी स्टूडेंट्स का कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करने वाले हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, अब उनके लिए हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं उसकी पर्टिकुलर एक क्लास है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्लास 10th का है, ठीक है, ये भी 10th का, ये 9th का है, तो 10th बी है, 10th सी है, 9th ई है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ इनके कुछ नाम है, और यहाँ अपन ने यहाँ इनका सीरियल नंबर स्टोर कर रखा है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपके पास क्या है, एक टाइप की टेबल है, ठीक है। तो टेबल जो होती है, वो टेबल आपके पास क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग रो और कॉलम में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझते होंगे ये सारे के सारे आपके पास में क्या है, यहाँ पर कॉल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग इसको देखें तो ये सारे आपके पास क्या है, रोज हैं, ठीक है। तो रोज और कॉल्स, ठीक है, रो और कॉलम मिलकर के आपके पास क्या बनाता है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास कंप्लीटली एक टेबल। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले फ्रेंड्स की ये जो आपके पास कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम को फ्रेंड्स आप चाहे तो बोल सकते हैं फील्ड्स, या तो फील्ड्स कह सकते हैं आप, या फ्रेंड्स आप इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कॉलम्स को आप क्या बोलते हैं, या तो फ्रेंड्स कहते हैं फील्ड्स, या तो फील्ड्स कह सकते हैं, या आप इसको एट्रीब्यूट कह सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास जो रोज होती है, ठीक है, ये जैसे रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 की एंट्री है, रो नंबर 3 है, तो फ्रेंड्स रोज को आप यहाँ पर रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पर इसको टपल्स भी कह सकते हैं। तो रोज क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, रोज को आप लोग रिकॉर्ड और टपल भी कहते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास जो सीरियल नंबर है, जैसे ये क्या आपके पास इस कॉलम का एक हेडर है, ठीक है, ये नेम के अपने अपने कॉलम का हेडर है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास जो है वो भी अपने कॉलम का एक हेडर है। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, छोटे छोटे से पीसेस में अपन ने अपने डेटा को लिख रखा है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अपन बात करें तो विशाल क्या अपने आप पे एक डेटा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 10C, ये अपने आप पे डेटा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर देखें 3, ये भी अपने आप में डेटा है। तो डेटा क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे पीसेस में होता है। जनरली फ्रेंड्स हम लोग डेटा को इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि डेटा आपके पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डेटा होता है, या स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। और इसके अलावा कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये आपके पास जो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं केवल विशाल, अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ विशाल, तो उस विशाल का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। अगर फ्रेंड्स मैं कहता हूँ 3, तो 3 का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं ये बोलता हूँ कि सीरियल नंबर जो 3 है, जिसका नेम आपके पास में आशीष है, जिसकी क्लास 9th E है, तो फ्रेंड्स यह अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन बन रही हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इस टेबल के अंदर आगे अपने पास कुछ और फील्ड्स भी होते, जिससे कि मैं ये पता कर सकता था कि यहाँ पर आशीष जो 9th E में, उसके परसेंटेज क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका आधार कार्ड क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फादर नेम क्या है,
बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो भी इस फाइल में रखी होती मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकता था इस तरीके से, जब मैं यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आगे चल रहा होता, मतलब मैं यहाँ पर्टिकुलर उस आशीष का या सीरियल नंबर जो 3 है उस रिकॉर्ड को या उस टपल को या उस रो को लेकर के चलता, तो फ्रेंड्स मुझे क्या मिल जाती, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब आपके पास स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पीस क्या, जैसे ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन है, सबसे छोटी क्या आपके पास यहाँ पर विशाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स टेबल क्या होता है, अच्छे से पता है, टेबल के अंदर आप रो और कॉलम रखते हैं और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को अपन सेल कहते हैं और बेसिकली इस सेल में अपना डेटा स्टोर होता है। अब देखिए यहाँ हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट वो है अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स डेटाबेस क्या होता है, अपने पास हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स डेटाबेस, जिसको हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर रखी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स डेटाबेस क्या होता है, आपके पास एक टाइप का कंटेनर होता है और उसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी टेबल्स स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो डेटाबेस है, डेटाबेस का बेसिक मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग कह सकते हैं डेटाबेस क्या होता है, आपके पास बेसिकली एक टाइप का कंटेनर जिसके अंदर डेटाबेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि टेबल्स हो सकता है, जैसे आपके पास फॉर्म हो सकता है, क्वेरी हो सकती है या आपके पास रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इनको, लेकिन एक बार हम लोग थोड़ा सा थ्योरिटिकली समझने की कोशिश करते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो अपना टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेस। अब देखिए डेटाबेस के एडवांटेज क्या है, उनको हम लोग यहाँ फ्रेंड्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि अपने पास है शेयरिंग ऑफ डेटा है, डेटा रिडंडेंसी है, डेटा इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियली है, हाईली सिक्योरेबल है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा क्या है। शेयरिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब हो गया कि फ्रेंड्स अगर मैंने कोई डेटाबेस बनाया, कोई डेटाबेस के अंदर फ्रेंड्स मैंने कोई टेबल क्रिएट कर दिए, ठीक है, तो उस टेबल को फ्रेंड्स मैं अपने अलग अलग यूजर्स के साथ में शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि कह सकते हैं कि एक ऑफिस के अंदर जो है एक टेबल क्रिएट कर दी गई और उस टेबल को जो है हम लोग चाहते हैं शेयर करना अपने ऑफिस के जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उन सभी के साथ। जैसे आप स्कूल्स के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्रंट ऑफिस है वहां पर किसी ने एक टेबल क्रिएट करी है और उस टेबल को जो है सारे क्लास टीचर्स के साथ शेयर कर दिया गया, ठीक है, तो एक टेबल क्रिएट करके उसको शेयर किया जा सकता है। जैसे हम लोग करते भी है, लाइक फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम लोग अगर अपने जैसे फेसबुक की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्स वगैरह जो भी है हम लोग चेंज करते हैं, तो वो डेटा चेंज हो कर रहा है, डेटा सेव कहाँ हो रहा है, डेटा अपडेट कहाँ हो रहा है, फेसबुक के डेटाबेस के अंदर, और उस डेटाबेस को दूसरे लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फेसबुक ने क्या कर रखा है, उस डेटा को शेयर कर रखा है लोगों के साथ, आप जो भी चाहे उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि ये डुप्लीकेसी को रोकता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अब डेटा रिडंडेंसी का यहाँ पर मीनिंग हम निकालने वाले हैं कि जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है वो डुप्लीकेसी को रोकता है। रोकता कैसे फ्रेंड्स, इसका हम लोग एक एग्जांपल समझ सकते हैं। फ्रेंड्स सपोज मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के अंदर फ्रेंड्स मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स में से 2 लोग हैं जिनका नाम है फ्रेंड्स अपने पास में आशीष, ठीक है। अब 2 आशीष हैं तो अपने पास कंफ्यूजन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, 2 अलग अलग जगह में आशीष लिख रहा हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक आशीष वही है जो दूसरा आशीष में लिखने वाला हूँ, ठीक है, एक टेबल में मैंने आशीष की एंट्री 2 बार कर दी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डुप्लीकेसी हो रही है। तो उसको रोकने के लिए हाँ ऐसा पॉसिबल भी तो है कि एक क्लास में 2 आशीष हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हुए प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें क्या होगा कि जिसमें आपकी डेटा हमेशा डेटा आपका यूनिक रहे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास 2 अगर एक क्लास के आशीष है तो उस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपने पास में हम रोल नंबर सेट कर देंगे, रोल नंबर 1 इसका है, रोल नंबर 2 इसका, रोल नंबर 3 इसका, तो यहाँ पर अपने पास जो है डुप्लीकेसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वैसे ही डेटाबेस भी यही कहता है कि डेटाबेस के अंदर जब आप अपनी टेबल्स क्रिएट करते तो उसमें से एक पर्टिकुलर फील्ड को आप एज अ प्राइमरी की क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आपके डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती है, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी में क्या है, डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, इट अवॉइड्स, क्या अवॉइड करता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड एंश्योर, क्या एंश्योर करता है, दैट देयर इज ओनली 1 इंस्टेंस ऑफ अ सर्टेनिटी, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स हमें कोई फाइल क्रिएट करनी होती है और हम लोग क्या करते हैं एक ही डेटा को जो है एक डेटा को अलग अलग फाइल्स में स्टोर कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि एक स्टूडेंट था, उसका कुछ नाम था, सपोज आशीष था, आशीष के अंदर ने ASHISH लिख दिया, ठीक है, तो आशीष की स्पेलिंग में हमने कहीं कुछ मिस्टेक कर दिए, शायद उसको डबल ए करना था या शायद उसको सिंगल ए रखवाना था, जो कुछ भी है,
तो फ्रेंड्स उसने क्या करा, एक इंफॉर्मेशन स्टोर करवा दी है, या हम लोगों ने किसी की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया अपने डेटाबेस के अंदर, अपनी एक टेबल के अंदर। अब वही डेटा जो है दूसरी टेबल में भी स्टोर करना है, तीसरी में भी किया हुआ है या चौथी में भी किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स में वो डेटा जा चुका है। अब फ्रेंड्स अगर वो स्टूडेंट्स कहता है कि मुझे ये नेम में करेक्शन करना है, तो नेम करेक्शन मैं कहाँ कर रहा हूँ, एक जगह पे कर रहा हूँ, फिर मुझे दूसरी फाइल में भी करना है, फिर मुझे तीसरी में भी करना है, चौथी में भी करना है, तो एक्चुअल में क्या करते हैं, हमने अपने डेटा को बिखेर के रखा हुआ है। तो यहाँ पर DBMS जो है वो ये कहता है कि एक जगह पर अगर आपने चेंज कर दिया तो उसका इफेक्ट सभी जगह पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर एक जगह पे अपन ने वैल्यू को चेंज किया, एक जगह पे अगर अपन ने डेटा को अपडेट किया है, तो उसका इफेक्ट सभी जगह पे पड़ना चाहिए। बस वही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें कि डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड डेटा इनकंसिस्टेंसी। इट मीन्स इफ अ सिंगल डेटाबेस इज यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर, देन इट ऑल्सो एंश्योर दैट द सेम डेटा इज प्रेजेंट फॉर ऑल द यूजर। मतलब एक जगह अगर आपने डेटा डाल दिया तो उसी को ही सब लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हो गया, तो कह सकते हैं द DBMS कैन एंश्योर डिफरेंट व्यूज फॉर अ डिफरेंट यूजर। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यू हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं कि क्लास टीचर के पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका नेम, आपका फादर नेम, मदर नेम है, एड्रेस है, ठीक है, इसी टाइप से ब्लड ग्रुप है, आधार कार्ड नंबर, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन क्लास टीचर के पास में स्टोर होती है। लेकिन जब वो डेटाबेस बनाया जाता है, डेटाबेस में जब सारा डेटा पड़ा है, लेकिन जब वो शो करना होता है रिजल्ट के टाइम पर, तो रिजल्ट के टाइम पर ये सारे इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना दिखती है। क्या दिखेगा उनको, केवल मार्क्स दिख सकते हैं, टोटल दिख सकता है, परसेंटेज दिख सकता है, ग्रेड दिख सकता है, तो कुछ पर्टिकुलर, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही वहां पर हमें शो करनी होती है। तो बस यहाँ पर हम लोग वो भी देख सकते हैं कि कौन से फील्ड को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन अपने पास बहुत सारी पड़ी है, लेकिन उसमें से भी आप कौन से इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो द DBMS कैन एंश्योर डिफरेंट व्यूज फॉर द डिफरेंट यूजर ऑफ द डेटाबेस, दिस कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा सेफ। ठीक है, बेसिकली इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है हाईली सिक्योरेबल। तो हाईली सिक्योरेबल का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, डेटाबेस कैन बी सिक्योर्ड बाय असाइंड अ लॉक टू इट बाय यूजिंग कीज। तो बेसिकली आप कुछ कीज के थ्रू, लॉक की के थ्रू जो है अपने डेटाबेस को आप स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली कहूँ तो फ्रेंड्स पासवर्ड और प्रोटेक्शन के बारे में कह रहा हूँ, आप अपने डेटाबेस को सेफ रख सकते हैं। आपके डेटाबेस को आपके अलावा और कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा अगर आप यहाँ पर DBMS को यूज करते। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स इसमें कुछ और टॉपिक्स भी है जो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है फ्रेंड्स वो है लिब्रे ऑफिस के बेस के बारे में हम बात करने वाले। देखिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ वैसे हम लोग आगे अभी कुछ नाम भी पढ़ने वाले होंगे। जैसे लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लिब्रे ऑफिस जो है उसका बेस है आपके पास। माइक्रो ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आप आते हैं तो फ्रेंड्स वहां आपको मिल जाता है MS एक्सेस। ठीक है, इसी टाइप से और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको डेटाबेस के अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। हम लोग यहाँ पर जो फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं वो कौन सा है अपने पास, बेस। बेस क्यों है आप समझते हैं, अपने सिलेबस के अंदर भी है एक, तो पहली बात ये। दूसरा फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्रीवेयर है, लिब्रे ऑफिस जो है वो बिल्कुल फ्रीवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स है, इंटरनेट से आप उसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप उसको आगे कंटिन्यू चला भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं कि बेस हमें क्या क्या काम करने की परमिशन देता है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, ये हमें क्या क्या परमिशन देता है। तो फ्रेंड्स जो अभी हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं, उन पूरे डेटाबेस को मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके नाम अभी अपने कुछ देखे और आगे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बेस। तो लिखा फ्रेंड्स द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस कैन बी यूज, किस लिए यूज किया जाता है, कैन बी यूज टू क्रिएट डेटाबेस। आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है एक्सेसिंग, आप एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटाबेस, कोई दूसरा डेटाबेस बना है उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स इन द रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एक डेटाबेस ये है, दूसरा डेटाबेस ये है, इन दोनों डेटाबेस को फ्रेंड्स अगर हम लोग यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर। ठीक है, तो यहाँ है क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस। इसके बाद है फ्रेंड्स क्रिएटिंग एंड यूजिंग फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स जैसे गूगल पे आप लोग कई बार कोई फॉर्म फिल करते होंगे, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म में आपने क्या करा, कुछ एंट्री डालते हैं, ऐसे ही जैसे आप फेसबुक को लॉग इन करते टाइम अपने यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर आपने कोई टेबल बनाई, कुछ फील्ड्स हैं और उसके अंदर भी आप कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं,
तो एक तरीका तो ट्रेडिशनल है जिसके अंदर हम लोग मैन्युअली अपनी क्वेरीज को टाइप करते हुए डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास है कि आप विजार्ड के थ्रू भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तीसरा आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि आप यहाँ पर जो है फॉर्म्स के थ्रू भी अपने डेटा की एंट्री करवा सकते हैं। तो यहाँ क्रिएटिंग एंड यूजिंग फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री, इसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स यूजिंग क्वेरी टू ब्रिंग टूगेदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। अब देखिए आपके पास इस टेबल के अंदर कुछ डेटा स्टोर पड़ा था, इसी टाइप से फ्रेंड्स इस टेबल के अंदर भी आपके पास कुछ डेटा पड़ा था। मैं यहाँ से कुछ डेटा लेकर के आना चाहता हूँ, डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ पर आपके पास मार्क्स है और मार्क्स का टोटल करना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन उसकी ग्रेड उसके परसेंटेज जो भी आप निकालना चाह रहे हैं सब कुछ करना, तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यूजिंग क्वेरी टू ब्रिंग टूगेदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल कैलकुलेट रिजल्ट वेयर नेसेसरी एंड क्विकली फिल्टर अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ मास ऑफ डेटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। आप यहाँ पर रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर पड़ा है, अब उसको हम लोग फ्रेंड्स प्रिंट करके देना चाह रहे हैं एक रिपोर्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो रिपोर्ट बना के देने के लिए आप क्या करना है, आपको सिंपल सा है यहाँ पर विजार्ड मिलेगा, नेक्स्ट 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 करेंगे हम लोग, बेसिकली कुछ खास काम नहीं है, तो वहां हम लोग रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट बिल्डर, रिपोर्ट बिल्डर को यूज करते हुए आप अपनी रिपोर्ट को भी क्रिएट कर पाएंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है फ्रेंड्स वो है लिंकिंग डेटाबेसेस टू अदर डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल फॉर्म इंक्लूडिंग मर्ज। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने पास है फिल्टरिंग एंड सर्चिंग डेटा। आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, साथ में इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन जब टॉपिक देखेंगे तो अपने पास यहाँ पर एक इमेज आएगी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको एक इमेज दिख रही है, और ये जो इमेज है फ्रेंड्स वो किसकी है, हम लोग नाम देख सकते हैं ईएफ कोड, ठीक है। ईएफ कोड जो है इन्होंने 1960s में, ठीक है, इन्होंने 1960s में डेटाबेस की डिजाइन कैसे होगी, किस तरीके से आपको डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 1960s से पहले हम लोग जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, उससे पहले हम लोग डेटा को या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को एक बड़ी फाइल में, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को उस तरीके से स्टोर किया जाता था। लेकिन अब जो है यानी कि 1960s के बाद में जो है डेटा को आपने टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट किया, उसके बेस के ऊपर कुछ अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बनते गए जो डेटाबेस को इजिली हैंडल करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं RDBMS को लेकर के। RDBMS मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, एक आपके पास ये टेबल है, दूसरी ये टेबल है, इन दोनों टेबल को या दोनों डेटाबेस को आपस में आप किसी तरीके से रिलेशन करना चाह रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस बनाने वाले हैं जिससे कि इसका डेटा इस तक आ जाए, इस डेटाबेस का डेटा इसके पास तक पहुंच सके। जैसे आप जानते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो फेसबुक का डेटा इंस्टाग्राम के पास आ जाता है, इंस्टाग्राम से डेटा फेसबुक के पास आ जाता है, क्योंकि दोनों के डेटाबेस के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो दो डेटाबेस को मैनेज करो तो इसका मैनेजमेंट ही नहीं, सिर्फ रिलेशन को भी मैनेज करना, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है आपके पास, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। RDBMS का फुल फॉर्म आपको याद रखना क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स दिस नेम इज यूज्ड फॉर डेटाबेस दैट आर डेवलप्ड बाय यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एज डिटरमाइंड बाय ईएफ कोड। इनका नाम आपको याद रखना, ध्यान रखिएगा, डेटाबेस को कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किसने कराया, ईएफ कोड ने, जो IBM के सन जॉन रिसर्च सेंटर के रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं RDBMS स्टोर द डेटा एज कलेक्शन ऑफ टेबल्स विच माइट बी रिलेटेड बाय कॉमन फील्ड्स, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं टेबल्स के अंदर फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स या कह सकते हैं कॉलम्स कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स बात कर सकते हैं RDBMS ऑल्सो प्रोवाइड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों दो अलग अलग वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, उनके बीच का रिलेशन देखना है आपको, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो डेटाबेस आपको अवेलेबल करवाता है। तो लिखा है RDBMS ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलेशनल ऑपरेटर टू मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस टेबल, ठीक है। तो बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स कुछ बेसिक नेम भी है जो डेटाबेस में हम लोग यूज लेते हैं, जैसे बेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारे आपके पास में सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स मोस्ट RDBMS यूज SQL एज डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो मोस्टली जो है फ्रेंड्स वो SQL को यूज में लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलर RDBMS सॉफ्टवेयर आर कौन सा फ्रेंड्स, MySQL सर्वर है, DB2 है, Oracle है,
एमएस एक्सेस है और साथ में माई एसक्यूएल है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लिमिटेड लिखे हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वो है कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स कि आपके पास में यहाँ एक कोई टेबल है, सपोज इस टेबल के अंदर हमने तीन अलग अलग फील्ड्स बनाए थे, एक के अंदर फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर जो है सीरियल नंबर लिखा था, एक के अंदर फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर नेम लिखा था और एक के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्लास लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ये सारे अपने पास क्या कहलाते हैं फील्ड्स, जबकि फ्रेंड्स ये सारे अपने पास क्या कहलाते हैं रोज और रिकॉर्ड्स, ठीक है। और ये कम्प्लीटली अपने पास पूरी क्या होती है टेबल, और इस टेबल के अंदर आपने यहाँ पर किसी का नाम लिखा फ्रेंड्स सपोज विनय, तो विनय अपने आप में क्या डेटा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस करते थे, बट यहाँ पर हम लोग उसको एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं और साथ में मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर फील्ड्स, फील्ड्स क्या होता है, अ कॉलम विद इन अ टेबल दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर आर डिफरेंट फील्ड्स नेम, ठीक है। जैसे यहाँ नेम, क्लास और सीरियल नंबर लिखा है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके पास रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे मैंने अपन ने पहले लिखा था रोल नंबर या सीरियल नंबर वन विनय, जिसकी क्लास है अपने पास में फ्रेंड्स टेंथ है, तो ये क्या है अपने पास पूरा एक रिकॉर्ड है विनय का। तो रिकॉर्ड क्या हो गया कि रिकॉर्ड अ सेट ऑफ वेरियस फील्ड इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, ऑल द इंफॉर्मेशन इन द टेबल वेरियस कॉलम रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड। उसके बाद है फ्रेंड्स फाइल, फाइल क्या हो गया, बेसिकली आपके पास ये जो पूरी टेबल है जिसके अंदर आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स स्टोर कर रखे हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फाइल्स कह सकते हैं। तो फाइल्स क्या, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहता हूँ फ्रेंड्स ये किस टाइप की फाइल है, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो फाइल क्या है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, फील्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रोज, ये कॉमन नाम है, आपको बस इसको इस तरीके से समझना है कि ये आपके पास कॉलम भी है, ये आपके पास एट्रीब्यूट भी है, और ये आपके पास फील्ड भी है, ठीक है, और ये आपके पास रो भी है, ये आपके पास रिकॉर्ड भी है, और ये आपके पास टपल है, ठीक है। तो नाम है, तीन तीन नाम दे रखे हैं, आप इसको कोई भी नाम कह सकते हैं, बट एग्जाम में आपको याद रखना है टपल और एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपने पास है प्राइमरी की क्या होता है, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, इन तीनों को हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देखते हैं, ये मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर फ्रेंड्स मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, ये एक और टेबल है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को देखना है प्राइमरी की क्या है, जैसे मैंने कहा था ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कभी भी सेम नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक रहेगी, जैसे कि रोल नंबर, ठीक है। अब रोल नंबर 1, 2, 3 है, अब जिसका रोल नंबर 2 है वो वही रहेगा, हो सकता है रोल नंबर 1 का भी नाम वही हो जो रोल नंबर 3 का भी नाम, जैसे एक क्लास में दो एक ही नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन 1, 2, 3 जो रोल नंबर है वो तो सभी का यूनिक है। तो यहाँ अपने पास ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अपने पास एक प्राइमरी। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा कंपोजिट प्राइमरी। तो कंपोजिट प्राइमरी का मतलब क्या हो गया कि जब प्राइमरी की बनाने के लिए आप एक से ज्यादा फील्ड्स को यूज करते हैं तो वो आपके पास फ्रेंड्स कंपोजिट प्राइमरी की हो जाएगी। और इसी टाइप से एक फॉरेन की आपके पास आती है, फॉरेन की का मतलब है कि यहाँ का डेटा यहाँ पर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ की जो भी आपने, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई सपोज की डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है, और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नेम है, तो डिपार्टमेंट नेम जिसमें कॉमन हो सकता है, जिसके थ्रू हम लोग दूसरी टेबल से डेटा को उठा सकते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर तो वो आपकी प्राइमरी की हो जाएगी, और यहाँ के रेफरेंस में देखें तो वो क्या है अपने पास एक फॉरेन की। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं प्राइमरी की क्या है, अब प्राइमरी की इज द फील्ड इन अ टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रोज रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइमरी की मस्ट कंटेंट यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, नेक्स्ट बात कर दे प्राइमरी की आपके पास एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, ठीक है, विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स। प्राइमरी की तो फ्रेंड्स आपके पास एक ही होगी, लेकिन उस प्राइमरी की को बनाने के लिए आप एक या एक से ज्यादा फील्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक बेसिक चीज है, आपको समझ में आई होगी, विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स। इसके अलावा अपन बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कंपोजिट की। अब कंपोजिट की क्या होती है, तो देखिए अब प्राइमरी की हैविंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड कंपोजिट की, ठीक है, एक या एक से ज्यादा दो, यानी कि जो भी आपके पास एक से ज्यादा है दो है, ठीक है। अब प्राइमरी की हैविंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब फील्ड्स हैं, ठीक है, इज कॉल्ड कंपोजिट की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स, उसको अपन क्या बोल सकते हैं कंपोजिट की।
है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की आर द कॉलम्स ऑफ अ टेबल दैट पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दे एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या अपने पास में कह सकते हैं कि क्रॉस रेफरेंस है दो टेबल्स के बीच में, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को यहाँ इजीली एक्सेस कर सकते हैं। टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें पहले यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है डेटाबेस क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि डेटाबेस आपके पास एक टाइप का कंटेनर होता है, जिसमें आप अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो है वो फॉर्म रिपोर्ट फॉर्म्स जो है या रिपोर्ट्स जो है या क्वेरी जो है वो भी आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या टेबल को क्रिएट करने के लिए, डेटा की एंट्री करने के लिए यानी कि रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स यूज करने वाले अपना एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो अपने पास होगा यहाँ लिब्रे ऑफिस का बेस। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पर जाकर लिखा हूँ लिब्रे ऑफिस बेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी सॉफ्टवेयर्स मेरे कंप्यूटर में है वो सारे मुझे दिखने शुरू हो गए जो लिब्रे ऑफिस के पार्ट में है। इसमें फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है बेस। ठीक है, आप सिंपल से यहाँ बेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपके सामने सीधा ये बेस को स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस को भी आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स अगर आप लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट करेंगे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ पुरानी फाइल्स है, एक बार मैं उनको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस है जहां से बेस को स्टार्ट करने के लिए आप बेस डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या तो ये ऑप्शन है या फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पर फाइल में जा सकते हैं जिसमें न्यू में जा सकते हैं, और न्यू के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन आएगा आपके पास में डेटाबेस। तो आप कहाँ से लेना चाहें वो आपके ऊपर है, या तो फ्रेंड्स आप फाइल मेन्यू के न्यू में जाके डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो फ्रेंड्स आप सीधे यहाँ जो बेस डेटाबेस है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है अपने सिस्टम के अंदर लिब्रे ऑफिस का बेस सॉफ्टवेयर सीधे ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्क्रीन है जो अभी दो मिनट पहले भी आई थी। तो फ्रेंड्स इस स्क्रीन के ऊपर आपसे कुछ चीजें ये पूछता है और फिर उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट 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 करके आगे भेजता है। तो आपको पता होगा हमने पहले भी बात कर रखा फ्रेंड्स, जब स्टेप्स होते हैं जैसे आपने मेल मर्ज में देखा होगा, जब स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स एक एक करके जब आप नेक्स्ट 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 करके आगे जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विजार्ड। ठीक है, विजार्ड में फ्रेंड्स सारी चीजें पहले से फिक्स होती है, बस आपको ऑप्शन दिए जाते हैं आप इनमें से किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है डेटाबेस विजार्ड। ठीक है, अब डेटाबेस विजार्ड में कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आपके पास सेलेक्ट डेटाबेस। अब सेलेक्ट डेटाबेस का मतलब क्या है, या तो आपने यहाँ पर पहले कोई डेटाबेस क्रिएट कर रखा है जिसको आप यहाँ ओपन करना चाह रहे हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और दूसरा आपके पास है यहाँ पर ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से कुछ बना हुआ है आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से ओपन करके, आप अपने कंप्यूटर के अंदर वो फाइल कहाँ पड़ी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। और अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास है HSQLDB, इसका मतलब है यहाँ हाइपर SQL डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो है आपके पास वेब पेज किससे रिलेटेड आपके पास कुछ आपको सपोर्ट करवाता है। इसी तरीके से यहाँ आपको यही रखना है, बस सिंपल सा आपको क्रिएट अ न्यू डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको नेक्स्ट का, आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं, यानी कि स्टेप नंबर आप 2 के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपको कुछ ऑप्शन कह रहा है देखिए यहाँ कह रहा है कि डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो फ्रेंड्स आप इसको यस रखिए। ठीक है, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। उसके बाद फ्रेंड्स आफ्टर द डेटाबेस हैज बीन सेव्ड व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना है जब आपका डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास है ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, मतलब इस डेटाबेस के अंदर आप एडिट करना चाहते हैं, और क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड। तो आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल सा ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग रखेंगे और उसके बाद उसमें फिर से ऑप्शन आएगा तो अपन वहां से ये टेबल को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो बस आपको सिंपल सा है इस बटन के ऊपर क्लिक रखना है जो डिफॉल्ट है आपके पास। आगे चलते हुए जाएंगे फ्रेंड्स आप यहाँ पर जाके फिनिश के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने डेटाबेस का एक नाम डाल देंगे, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ सपोज की स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, आपको जो लिखना है आप नाम डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ स्टूडेंट इन्फो। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ODF डेटाबेस है, यानी कि इसका एक्सटेंशन जो है फ्रेंड्स वो .odb है। ठीक है,
मैं यहाँ पर सिंपल सा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर स्टूडेंट इन्फो डॉट ओडीबी ये फाइल है आपकी, यानी कि बेसिकली आपका डेटाबेस है। और इस डेटाबेस के अंदर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको चार अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, एक टेबल होगा, एक क्वेरी होगा, एक फॉर्म है और एक रिपोर्ट। आपको कुल मिला के फ्रेंड्स यहाँ पर इनके नाम आपको याद रखने होंगे कि डेटाबेस के अंदर आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं आपके पास, ऑप्शंस क्या है फ्रेंड्स। एक है आपके पास टेबल है, दूसरा आपके पास यहाँ पर क्वेरी है, थर्ड आपके पास फॉर्म्स है और फोर्थ आपके पास रिपोर्ट है। इन चारों में से आपको क्या क्रिएट करना है वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर विजार्ड के थ्रू अपना एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने टेबल विजार्ड को ओपन कर देगा। आप समझते हैं विजार्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक एक स्टेप्स आपको आगे बढ़ने होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास जो है कुल मिला के फोर अलग अलग स्टेप्स होने वाले, जिसमें से फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप है आपके पास जिसमें लिखा है सेलेक्ट फील्ड्स। अब फील्ड्स लेने से पहले आपको यहाँ पर टेबल बतानी पड़ेगी कौन सी टेबल आप लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस ने जो है आपको अलग अलग टाइप की कैटेगरी अवेलेबल करवा रखी है। एक है फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर बिजनेस, जबकि दूसरी अपने पास यहाँ पर है फ्रेंड्स पर्सनल। ठीक है, आपको कौन सी लेनी, जैसे अगर आप बिजनेस पे जाते हैं तो यहाँ कुछ टेबल्स बनी हुई है सैंपल टेबल्स, आप इनमें से कौन सी टेबल्स को लेना चाह रहे हैं। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप सपोज कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं तो कस्टमर से रिलेटेड कौन कौन से फील्ड्स होने चाहिए इसने पहले से ही आपको अवेलेबल करवा के दे दिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे तो प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स होने चाहिए ये इसने पहले से ही आपको अवेलेबल करके दे दिए। इसी टाइप से पर्सनल में अगर आप जाएंगे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ एड्रेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, सैंपल टेबल के अंदर एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद आप देखेंगे इस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, उसमें से आपको कौन कौन से चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स सारे के सारे फील्ड लेना चाहते हैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे फील्ड्स अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, मुझे ये सारे नहीं चाहिए इसलिए मैं वापस बैक करता हूँ इधर आ गया। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो एक तो सिटी को लेना चाह रहा हूँ, सिटी के ऊपर क्लिक करके इस बटन पे क्लिक कर देंगे जिससे कि वो वाला फील्ड अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एड्रेस लेना चाह रहा हूँ, एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर और भी आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ से फर्स्ट नेम को लेना चाह रहा हूँ। इसी टाइप से आप यहाँ पर मोबाइल को ले सकते हैं, मोबाइल ले लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं फर्स्ट नेम को ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हुए ऊपर लेके आ सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मोबाइल नंबर को भी अगर आप ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो आप ऊपर नीचे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये चारों फील्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, मतलब मेरी टेबल के अंदर मैं इन चार फील्ड्स को लूंगा जिसका नाम एड्रेस अभी है। ठीक है, आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो फील्ड्स चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो फील्ड के नाम को भी चेंज कर सकेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम की जगह आप केवल नेम लेना चाहते हैं इस टाइप। फ्रेंड्स इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स अपने पास इस टेबल विजार्ड में नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाएंगे, जो है यहाँ पर सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अपन ने जो फोर फील्ड्स लिए हैं वो चारों फील्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इनमें से हर फील्ड्स के ऊपर, जैसे फर्स्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, सिटी है, एड्रेस है, तो यहाँ पर सभी का कुछ अलग अलग यहाँ पर डेटा स्टोर करने की कैपेसिटीज को यहाँ स्टोर किया गया। ठीक है फ्रेंड, जैसे फर्स्ट नेम अगर आप देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नेम मैक्सिमम 50 करेक्टर तक ये ले सकता है। इसके बाद अगर मोबाइल नंबर देखेंगे तो मोबाइल नंबर मैक्सिमम 30 करेक्टर तक ये स्टोर कर सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप सिटी देखेंगे तो सिटी भी ये मैक्सिमम 50 करेक्टर तक लेगा। इसी टाइप से एड्रेस देखेंगे तो फ्रेंड्स ये 200 करेक्टर तक को ले रहा है। तो ये जो लिमिट है इसको फ्रेंड्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम है। ठीक है, अब फर्स्ट नेम के अंदर आप यहाँ पर जो है अलग अलग डेटा टाइप्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो कोई भी डेटाबेस आपको सपोर्ट कराता है या बैकहेंड में जो एसक्यूएल काम करती है। ठीक है, एसक्यूएल, MySQL जैसे हमने पहले भी बात कर रखी थी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी के सभी जो है इन डेटाबेस को कह सकते हैं कि इन फील्ड्स के जो टाइप्स हैं या फील्ड्स के जो आपके पास में डेटा का जो टाइप है उसको ये यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपके पास बहुत सारे टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ टीनी इंटीजर है, बिग इंटीजर है, इमेज है, ठीक है, बाइनरी है, बाइनरी फिक्स्ड है, इसी टाइप से मेमो है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेसिमल है, इसी टाइप से इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर है, फ्लोट, रियल, डबल, टेक्स्ट, इस टाइप से बहुत सारे डेटा टाइप है। यस नो, बुलियन में रखना चाहते हो, डेट टाइम है, शिफ्ट टाइम है, आपके पास डेट एंड टाइम दोनों है, अदर फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपको कौन सा लेना है। इन सारे टाइप्स को फ्रेंड्स हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स जो डिफॉल्ट है आप चाहें तो वो रख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से उसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज जो भी आप करना चाहें आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिफॉल्ट जो है वही रख।
इसी टाइप से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे करेंगे, ये पूछेगा आपको प्राइमरी की सेट करना है क्या। प्राइमरी की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं फ्रेंड्स पिछले वीडियो में। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की आपके पास ऐसी एक की होती है जो एक पर्टिकुलर फील्ड को फिक्स्ड कर देती है, जिसमें कि कोई भी डेटा की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स रोल नंबर, तो रोल नंबर 5 अगर किसी का है तो वो रोल नंबर 5 अब किसी और का उस क्लास के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सपोज आपके पास स्कॉलर नंबर है पूरी स्कूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो जिसका एक स्कॉलर नंबर है वो नंबर किसी और का अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसी टाइप से आधार कार्ड का नंबर कह सकते हैं, आधार कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो अगर आपका जो है वो इंडिया में किसी और का नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या आपके पास एक यूनिक नंबर है। प्राइमरी की जो है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स बेसिक, क्या है, एक तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, मतलब प्राइमरी की वैल्यू हमेशा होगी, वो एम्प्टी नहीं हो सकती, और दूसरा जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक ही रहेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें भी आप याद रखना प्राइमरी की के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहां पर आप क्या करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, या तो आप क्या करते हैं क्रिएट अ प्राइमरी की में ऑटोमेटिकली एड अ प्राइमरी की, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक एक और नया यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि फील्ड क्रिएट कर देगा प्राइमरी की को हैंडल करने के लिए। जैसे कि सपोज सीरियल नंबर होता है तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और अगर आप यहाँ पर अपने इन चार फील्ड्स में से किसी को प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड, और उनमें से किसको आप यहाँ पर एज अ प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जो एक किसी को अवेलेबल होगी तो किसी और को आप नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से जो ऑटोमेटिकली एड अ प्राइमरी की कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक एक नया फील्ड अवेलेबल करा देगा मेरे लिए, ठीक है, जो हमेशा प्राइमरी रहेगा। ठीक है, या कह सकते हैं जिसमें हमेशा यूनिक वैल्यू ही रहने वाली है, जिसकी वैल्यू कभी भी एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से फ्रेंड्स फिर से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, नेक्स्ट कर दीजिए। क्रिएट टेबल, इसका जो डिफॉल्ट नाम था फ्रेंड्स वो एड्रेस सामने सेलेक्ट किया था, आप चाहते हैं नाम चेंज करना आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज की स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। डेटाबेस का नाम है फ्रेंड्स अपने पास स्टूडेंट इन्फो, और उसके अंदर हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल नाम की स्टूडेंट डिटेल्स नाम से एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डेटा इमीडिएटली डालना है, यह टेबल की डिजाइन को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से डेटा इमीडिएटली कर देता हूँ। बस यहाँ पे लास्ट अपने पास ऑप्शन कुछ है नहीं तो फिनिश बचा है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा, आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी टेबल बन चुकी है। ठीक है, हालांकि टेबल बैकग्राउंड में बन चुकी है, लेकिन उसके बाद कि आपने ऑप्शन दिया था टेबल क्रिएट होते ही क्या करना है, आपको यहाँ डेटा स्टोर करना है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आईडी हमने क्रिएट नहीं करी है। ठीक है, तो आईडी इसने ऑटोमेटिक बनाया जो क्या रहेगी, प्राइमरी रहेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, तो ये फर्स्ट, आप यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। अब नंबर जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप पहले 100 लिख दीजिए, बाद में 80 लिख दीजिए, फिर 50 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, लेकिन आप इसको इस तरीके से ही रखिए जिससे कि हम लोग इसको इजीली हैंडल कर सके। ठीक है, अदरवाइज कोई भी नंबर वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये नंबर अवेलेबल है, अगर है तो बनाने देगा, अदरवाइज मना कर देगा। ठीक है, मतलब यूनिक होना चाहिए वो नंबर, इसके पास पहले से अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी का नाम है सपोज तुषार। ठीक है, मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऐसे कुछ एक डम्मी नंबर डाल दिया है। सिटी के अंदर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा सपोज जोधपुर, और एड्रेस के लिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ सपोज की रातानाड़ा। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ इस वाले बटन के ऊपर आऊंगा, यहाँ पे इस वाले रो के अंदर 2 लिख दूंगा, किसी स्टूडेंट्स का नाम लिखने वाला हूँ फ्रेंड्स वो है राहुल, उसके कुछ नंबर है फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर, ये भी जो है फ्रेंड्स स्टूडेंट वो अपने जोधपुर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो एड्रेस है वो है सपोज फ्रेंड्स पावटा। इसी टाइप से मैं रिकॉर्ड नंबर 3 डाल देता हूँ, किसी का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पर सपोज कि मैं विनय ले लेता हूँ, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस टाइप से मोबाइल नंबर है, ये भी फ्रेंड्स जोधपुर से रिलेटेड ही है, और इसका एड्रेस मैं डाल देता हूँ फ्रेंड्स सपोज कि शास्त्री नगर। ठीक है, शास्त्री नगर। इसी टाइप से फ्रेंड्स मेरे पास 4th रिकॉर्ड है, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स के नंबर नाम डाल देता हूँ फ्रेंड्स सपोज कि अमन, और ये जो है फ्रेंड्स इसके नंबर ये कुछ है, ये फ्रेंड्स जयपुर से रिलेटेड है, और ये जयपुर में फ्रेंड्स है वो है चांदपोल से रिलेटेड। ठीक है, इसी टाइप से लास्ट रिकॉर्ड डाल देता हूँ फ्रेंड्स सपोज 5th नंबर के ऊपर, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं नाम डालने वाला हूँ सपोज कि भावेश का, और भावेश के जो नंबर है फ्रेंड्स वो मैं कुछ इस टाइप से स्टोर कर देता हूँ। इसके बाद में ये भी फ्रेंड्स जोधपुर से रिलेटेड है, और इसका जो एड्रेस है फ्रेंड्स वो मैं डाल देता हूँ फिर से सपोज की CHP। ठीक है, तो बहुत सारा रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, बस मुझे यहाँ पर इस फाइल को क्लोज करना। अच्छा, ये डेटा ऑटोमेटिक सेव करता है, यहाँ
आपको फाइल में जाकर के सेव बटन के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए सेव करंट रिकॉर्ड, बस वो लास्ट रिकॉर्ड, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर ही क्लिक करा हुआ तो अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं सेव हुआ है। आप जैसे ही आगे आएंगे ऑटोमेटिक फ्रेंड्स ये सेव हो चुका होगा, फिर भी मन में रखना चाह रहे तो आप जाके देख सकते हैं सेव करंट रिकॉर्ड अभी कुछ है ही नहीं, सारे रिकॉर्ड आपके ऑटोमेटिक सेव होते रहते हैं बैकग्राउंड में। अब फ्रेंड्स हमने अपनी टेबल को बना दिया है, आप चाहते हैं तो यहाँ से इस टेबल को अपनी क्लोज करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे ये स्टूडेंट डिटेल की टेबल आपके पास आ चुकी है। जब आप टेबल में होंगे क्वेरी पे जाएंगे तो कुछ नहीं है, अभी क्वेरी में हमने कुछ नहीं किया, फॉर्म में कुछ नहीं किया, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं किया, वापस आ जाते हैं टेबल में। तो फ्रेंड्स ये आपकी टेबल है, इस टेबल के ऊपर आप राइट क्लिक करके फिर से इसको एडिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ्रेंड्स फिर से इसको ओपन कर देता हूँ जिससे कि हम लोग इस टेबल में आ जाएंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे भावेश। ठीक है, इसके ऊपर जाके फ्रेंड्स आपको सिंपल सा राइट क्लिक करना है और डिलीट रो कर सकते हैं, जिससे कि ये रो आपकी कंप्लीट डिलीट हो जाएगी। हाँ, वो आपसे पूछेगा जरूर कि इसको रियली डिलीट करना है, तो पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू डिलीट द सेलेक्टेड डेटा, मैं यस कर देता हूँ जिससे कि वो रिकॉर्ड वो रो आपकी डिलीट हो चुकी है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके बाद में आप फिर से कुछ रिकॉर्ड डाल सकते हैं, जैसे वो फिफ्थ नंबर का जा चुका है, अब अपने पास 5 फ्री है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर से कुछ डेटा डाल देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स सपोज कि तरुण, तरुण का ये कुछ मोबाइल नंबर है और ये जोधपुर से रिलेटेड है, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जा करके लिख देता हूँ सपोज कि सरदारपुरा, ऐसे कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स लास्ट रिकॉर्ड अपना फिर से सेव हो चुका है, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि टेबल मेरी क्रिएट हो चुकी है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर ये जो नेम है ठीक है इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा है, आपको उसके फील्ड के ऊपर यानी कि फर्स्ट नेम पे या मोबाइल नंबर पे या सिटी पे या एड्रेस पे किसी पे भी जिसको आप सॉर्ट करना चाहे कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब ए टू जेड और जेड टू ए। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स ए टू जेड वाले के ऊपर क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे अमन का नाम ऊपर आ गया, विनय का नाम लास्ट में आ चुका है, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए बी सी डी इस तरीके से ये स्टोर हो चुका है या उसको कह सकते हैं सॉर्ट कर चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप मोबाइल नंबर वाइज करना चाह रहे हैं तो मोबाइल नंबर को क्लिक कर सकते हैं, आप सिटी वाइज करना चाह रहे हैं सिटी वाइज कर सकते हैं, आप एड्रेस वाइज करना चाह रहे हैं एड्रेस वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो रहा है आपके पास। इसी टाइप से अगर आप आईडी के बेस पे करना चाह रहे हैं आईडी के ऊपर कर सकते हैं, आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ये जो क्योंकि हम लोग बेसिक चीजें देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे अपने टेबल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, मैं फिर से इसको एक बार यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। इसी के बाद फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल है, आप इस पर राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। आप एडिट करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर को, सिटी को, एड्रेस को, आप उसके नाम को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आईडी की जगह आप रोल नंबर डालना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है उसमें हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम लोग अपने टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे अपने टेबल के अंदर डेटा की एंट्री कर सकते हैं, और उस डेटा के ऊपर भी हमने कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस को डिस्कस किया है। क्वेरी, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कुछ बेसिक चीजें एक बार बता देता हूं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर अपना लिब्रे ऑफिस बेस, आपके कंप्यूटर में अगर बेस है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से बेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, आप चाहें तो पहले से बना हुआ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फिर से एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, डेटाबेस के लिए डेटाबेस विजार्ड ऑप्शन आता है, आप जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, आप अगर ओपन करना चाहते तो यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो को बना रखा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन फ्रेंड्स मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये बोलेगा सेव एंड प्रोसेस, उससे पहले ये कह रहा है कि आपको इसमें क्या करना है, एक तो इसको रजिस्टर करने के लिए आपने यस कर रखा है, और ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, आप इस डेटाबेस में एडिट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से जाके फिनिश करता हूँ। इसके बाद में बोलेगा आप अपने डेटाबेस का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेसेस पड़े हैं, मैं एक और नया डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सपोज क्लास इन्फो। ठीक है, तो क्या नाम रख दिया मैंने अपने डेटाबेस का, क्लास इन्फो। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव। तो फ्रेंड्स मेरा क्लास इन्फो नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर कुल मिला के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल है अपने पास, क्वेरी है, फॉर्म है और रिपोर्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं पहले टेबल्स के बारे में।
टेबल्स में हम लोगों ने फ्रेंड्स पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था विजार्ड के थ्रू। ठीक है, तो विजार्ड के थ्रू मैं एक बार वापस से आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, आप यहाँ से फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस टाइप था, पर्सनल टाइप था, आप यहाँ से कोई भी टाइप चूज कर सकते हैं, कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे पर्सनल अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो अलग अलग कुछ डमी अपने पास टेबल्स बनी हुई आप वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से सपोज एड्रेस को ले लेता हूँ। ठीक है, एड्रेस में अपन ने जैसे पिछले वीडियो में सिटी को ले रखा था, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ से एड्रेस को ले सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट आगे आके देखेंगे तो यहाँ आप चाहें तो फ्रेंड्स फर्स्ट नेम को ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप फ्रेंड्स मोबाइल नंबर को ले सकते हैं, आप किसी को भी यहाँ से ऊपर नीचे सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, उसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ से एड्रेस और लास्ट में मैं सिटी ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको पता है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास सेट टाइप एंड फॉर्मेट्स। उसके फॉर्मेट्स आप जो भी रखना चाहते हैं, जैसे कि अपन ने डिस्कस करा था बहुत सारे अपने पास अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, आप जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बाकी डिफॉल्ट इसके पास पहले से बने हुए हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, प्राइमरी की के लिए पूछेगा। आप अपने कुछ फील्ड्स में से प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि एडिशनल और फील्ड क्रिएट हो जाए जिसको यहाँ पर जो है प्राइमरी की बनाया जाएगा, तो हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली एड अ प्राइमरी की। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट बटन के ऊपर जाके क्लिक करना है, क्रिएट अ टेबल। आप टेबल का नाम एड्रेस रखना चाह रहे हैं एड्रेस ले सकते हैं, कुछ और लेना चाह रहे हैं और ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नाम रख सकता हूँ जैसे कि स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ पर इतना सा रख रहा हूँ। और उसके बाद इसके अंदर कुछ आप इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली करके और आप फिनिश कर सकते हैं। तो ये टेबल क्रिएट हो चुकी है, टेबल क्रिएट हो जाने के बाद में वो फाइल सीधी ओपन हो गई, वो टेबल ओपन हो गई है जिसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए आईडी हमने नहीं बने तो आईडी ऑटोमेटिक बन चुकी है जिसको प्राइमरी की बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट पे मैं जाकर के कुछ नाम डालने वाला हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि हिमांशु, मोबाइल नंबर फ्रेंड्स कुछ भी आप लिख सकते हैं, एड्रेस में फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज CHB, सिटी के अंदर मैं जाके लिख दूंगा फ्रेंड्स सपोज जोधपुर। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स दो नंबर पे मैं यहाँ पर किसी का नाम डाल देता हूँ फ्रेंड्स, सपोज कि योगेश। ठीक है, योगेश के जो नंबर है फ्रेंड्स वो अपने पास कुछ ये है। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये है सपोज कि पावटा, जोधपुर से रिलेटेड है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे मैं एक और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे इसका नाम रख देता हूँ फ्रेंड्स मैं सपोज तुषार, 2, 2, 4, ऐसे ही कुछ आप नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसका एड्रेस डाल देता हूँ सपोज कि रातानाड़ा। ठीक है, और यहाँ पर जाके लिख दूंगा फ्रेंड्स मैं सपोज जोधपुर। ठीक है, इसी टाइप से फोर्थ वैल्यू में डाल देता हूँ फ्रेंड्स, सपोज यहाँ पर हम लोग नाम लेते हैं मनोज। मनोज के कुछ भी आप नंबर जो भी डालना चाहे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और फ्रेंड्स इसका एड्रेस डाल देता हूँ CHB। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू भी डाल देते हैं जोधपुर। इस टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है और लास्ट वैल्यू मैं स्टोर करने वाला हूँ उसका नाम है फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर योगेश। ठीक है, और योगेश के जो नंबर हैं फ्रेंड्स वो इस बार ये हैं कुछ। ठीक है, और इसके बाद में ये जो योगेश है फ्रेंड्स वो है अपने पास सपोज CHB से रिलेटेड, और वो भी जोधपुर सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ कुछ वैल्यू स्टोर कर दी है। आप जानते हैं फ्रेंड्स जैसे ही अभी आप यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर एडिट का सिंबल आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस रो के आगे आएंगे ऑटोमेटिक आपका पीछे का डेटा स्टोर हो चुका है। ठीक है, आपको इसको सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हम पहले भी बात कर चुके। तो फ्रेंड्स आपकी टेबल जो है वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, बस मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे फ्रेंड्स स्टूडेंट डिटेल नाम की टेबल बन चुकी है, और आप चाहें तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको देख सकते हैं, यही वैल्यू आपने वहां स्टोर करी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स टेबल क्रिएट करना तो आपको आ ही चुका है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर, क्योंकि आपने विजार्ड के थ्रू क्रिएट करा था, विजार्ड में एक फिक्स फॉर्मेट बना हुआ था, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स आप खुद अपनी टेबल बनाना चाह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। ठीक है, आप डिजाइन व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल से आपको अपने फील्ड्स के नाम डालने हैं, जैसे कि फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ रोल नंबर है, नेम है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर हिंदी के मार्क्स डाल देता हूँ, स्पेलिंग सही कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पर हिंदी के बाद यहाँ ले लेता हूँ सपोज की इंग्लिश, इसके बाद फ्रेंड्स मैं ले लेता हूँ मैथ्स। ठीक है, इसी तरीके से साइंस, आप जो सब्जेक्ट डालना चाहे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए रोल नंबर किस टाइप का होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से उसको क्या कर देता हूँ फ्रेंड्स, इंटीजर कर देता हूँ। नेम आपके पास टेक्स्ट ही रहेगा। इसी तरीके से हिंदी में अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको आप इंटीजर कर सकते हैं, इसी टाइप से इंग्लिश को भी आप यहाँ इंटीजर कर सकते हैं।
मैथ्स को भी फ्रेंड्स आप यहाँ से इंटीजर कर सकते हैं और साइंस को भी आप यहाँ से इंटीजर कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन है, अगर आप चाहें तो डालना तो आप डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब फ्रेंड्स यह आपने क्या कर दिया, एक फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप रोल नंबर पे जा सकते हैं, राइट क्लिक करके एक बार प्राइमरी की को इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर अपना हमेशा यूनिक रहेगा। आप देख सकते हैं इसके सामने यहाँ पर एक की बन चुकी है, मतलब ये आपके पास आपकी एक प्राइमरी की है। तो यहाँ पर अब आप जो वैल्यू डालेंगे वो रोल नंबर आपको डालना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने एक और तरीके से टेबल क्रिएट कर दी, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। इस टेबल का आप कुछ भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं रख देता हूँ मार्क्स इन, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स इन्फो है, ठीक है, मैंने इसको इन्फो कर दिया, ओके कर देता हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी फाइल जो है सेव हो चुकी है, यानी कि आपकी टेबल सेव हो चुकी है। इसके अंदर फ्रेंड्स अगर आप इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे कि सपोज यहाँ पर रोल नंबर 1 है, ठीक है, किसी का नेम आप लेना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कमल है, जिसके हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के और साइंस के कुछ मार्क्स हैं। रोल नंबर 2 है फ्रेंड्स, उसका नाम है अपने पास आशीष, ठीक है, और इसके जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स वो अपने पास कुछ ये मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, हिंदी के मार्क्स थोड़े से चेंज कर देता हूँ मैं इस तरीके से। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट रोल नंबर अपने पास 3 है, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं उसका नाम डाल देता हूँ सपोज कि विनय, और विनय के जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स वो कुछ इस टाइप से हैं। इस टाइप से रोल नंबर 4 यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ फ्रेंड्स सपोज कि हिमांशु, और हिमांशु के मार्क्स जो हैं फ्रेंड्स वो कुछ इस टाइप से हैं। इसी टाइप से रोल नंबर 5 जो मैं लास्ट एंट्री करने वाला हूँ, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं नाम डाल देता हूँ विजय, ठीक है, और विजय के जो मार्क्स है वो है फ्रेंड्स 54, 56, 57, 59 इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स जानबूझ के इसके नंबर थोड़े से कम डाले ताकि आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें कि अंडर 60 है सारे के सारे। और दो नाम मैंने लिए फ्रेंड्स जो है विजय और विनय, जिसमें VI VI कॉमन है, ठीक है, आपको दो चार चीजें याद दिलाऊंगा मैं आगे, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ वापस से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स अपनी फाइल सेव हो चुकी है, ऑलरेडी आपकी फाइल सेव है, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, वापस आप अपनी फाइल को चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। दो तरीकों से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फाइल को क्रिएट कर लिया है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, बेसिकली क्वेरी लगानी है। तो देखिए जैसे आपने दो तरीके से यहाँ पर टेबल क्रिएट करी है, ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्वेरी लगा सकते हैं। क्वेरी होती क्या है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेरी का बेसिक मीनिंग है अपने पास में, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ कंडीशन के बेस पे कुछ वैल्यूज को उठाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं आपकी क्लास के अंदर सपोज फ्रेंड्स 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और 40 स्टूडेंट्स में से हम लोग ये देखना चाह रहे हैं ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके साइंस में मार्क्स जो है 80% से ज्यादा है, या ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नेम जो है वो ए से स्टार्ट होता है, या ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 50 से कम आए। तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेरी सेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर ये डेटा उठाने की कोशिश करें, लेकिन डेटा किस बेस पे हम लोग उठाएंगे, किसी कंडीशन के बेस पे। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग जो है वो क्वेरी को यूज करने वाले हैं, और क्वेरी के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बेसिकली क्वेरी के ऊपर जाके क्लिक करना है, ठीक है। जैसे टेबल से आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, टेबल को क्रिएट करते हैं। अभी हमने दो तरीके से टेबल बनाई है, एक है फ्रेंड्स अपने पास जो विजार्ड के थ्रू, दूसरा अपने पास कौन सा था डिजाइन व्यू के थ्रू, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करने वाले फ्रेंड्स अपनी क्वेरी को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्वेरी को क्रिएट करने के भी फ्रेंड्स दो तरीके हैं, पहले हम लोग विजार्ड देखेंगे, देन बाद में हम लोग डिजाइन व्यू को देखने वाले। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले जाके क्लिक कर देता हूँ विजार्ड पे। अब देखिए विजार्ड पे क्लिक करना है आपके पास, यहाँ आपको ये देखना है कि भाई ये क्वेरी किस टेबल के ऊपर लगानी है। अब अपने पास फ्रेंड्स दो टेबल है, ठीक है, एक स्टूडेंट डिटेल है, एक आपके पास मार्क्स इन्फो है। तो फ्रेंड्स मैं मार्क्स को ले रहा हूँ, ठीक है। अब मार्क में आपको क्या क्या चीजें डिस्प्ले करनी है, देखिए है तो बहुत सारा अपने पास, रोल नंबर है, नेम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बहुत सारी चीजें, लेकिन इनमें से आप कौन कौन से फील्ड्स को लेना चाहते हैं, ठीक है। टेबल में अपने पास बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स, एक तो मैं यहाँ से रोल नंबर को लेना चाह रहा हूँ, दूसरा फ्रेंड्स मैं नेम को लेना चाह रहा हूँ, और तीसरा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ साइंस को, बस और मुझे कोई फील्ड नहीं चाहिए। तो बेसिकली तीन टाइप के फील्ड्स आपको चाहिए, आपने उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर फील्ड इन द क्वेरी जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से नेक्स्ट जाना है, क्योंकि ये विजार्ड है, स्टेप चलेंगे नेक्स्ट 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 करके फिनिश करेंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। इन केस अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स आपके डेटा को सॉर्ट करना, जैसे हो सकता है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सपोज 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। अब उनको भी फ्रेंड्स अगर आप अल्फाबेट ऑर्डर में सेट करना चाह रहे हैं, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या रोल नंबर वाइज लेना है, नेम वाइज लेना है, और साइंस के मार्क्स वाइज लेना है। तो फ्रेंड्स मैं नेम वाइज ले लेता हूँ। अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 4 विजय है, या 4 विनय है, या 4 आकाश है, तो फ्रेंड्स उसमें से आप कौन से विनय को ऊपर की तरफ लेना चाहेंगे, कौन से आकाश को आप ऊपर लेना चाहेंगे,
तो इसका मतलब है कि आप विनय जो नेम के थ्रू अगर आ रहा है तो उसके बाद में अगर चार विनय है तो फ्रेंड्स दूसरा जो फील्ड है उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नेम के बाद वो सरनेम आप लेना चाह रहे हैं, नेम के बाद मैथ्स ले, या आपके पास जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके परसेंटेज हैं, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया आप लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर देन बाय में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक ही ले रहा हूँ, मुझे देन बाय में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अनडिफाइंड कर देता हूँ मैं इसको फिर से। इसी टाइप से फ्रेंड्स इसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे सर्च कंडीशन है, आप यहाँ पर मैच ऑल द फॉलोइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर से आप नेक्स्ट करेंगे, डिटेल ऑफ समरी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एलियासेस, से अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर की जगह कोई दूसरा नाम लिखा है, नेम की जगह कुछ और लिखा है, या साइंस की जगह कुछ और लिखा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ चेंज करना, जो नाम मैंने दिया है फील्ड में वही नाम मुझे रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट करेंगे, ओवरव्यू आ जाएगा। ओवरव्यू में भी अपन को कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बेसिकली लास्ट में जाते हुए क्या करना है अपन को, यहाँ पर फिनिश करना, ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ द क्वेरी आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेरी का नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ क्वेरी मास्क, ठीक है, तो जो भी आपके मार्क्स है, ठीक है, तो उनकी इन्फो लेने वाला हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, फिनिश। जैसे ही फ्रेंड्स फिनिश करूंगा आप देखेंगे आपके पास में एक क्वेरी क्रिएट कर रखी है, और यहाँ आपके पास जो भी आपने डाला है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जैसे रोल नंबर है, नेम है, साइंस है, ये आपने कुछ कहा था, तो केवल आपको वो इन्फॉर्मेशन ही यहाँ मिली है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ इतने नंबर तक आए आपके पास, या जैसे कि ग्रेटर देन 50 आना चाहिए, ग्रेटर देन 70 आना चाहिए, ग्रेटर देन 60 आना चाहिए, नेम ए से शुरू हो वो आने चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका था फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर जो क्या था, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर किसके थ्रू किया फ्रेंड्स, वो यहाँ पर विजार्ड के थ्रू, ठीक है। दूसरा आपने पास एक और तरीका फ्रेंड्स, वो है आप डिजाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डिजाइन व्यू को लेने वाला हूँ, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कौन सा है आपके पास में, यहाँ पर विजार्ड के थ्रू लिया है, जबकि दूसरा अपने पास कौन सा है फ्रेंड्स, वो है डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू पे जाके आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक टेबल है तो एक दिखाएगा, एक से ज्यादा है तो वो दिखाएगा। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स किस टेबल के ऊपर क्वेरी लगानी है, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स किस पे ले रहा हूँ, मैं मार्क्स के ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ऐड करना है, जिससे कि फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे कि ये वाली जो टेबल है वो इस जगह पर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अभी एक ही टेबल लेनी है इसलिए मैं एक ही ले रहा हूँ, अगर रिलेशन करना चाहे तो एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, मैं एक ही रख के क्लोज कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फ्रेंड्स अपने पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपको कौन कौन से फील्ड्स लेने हैं इस क्वेरी के लिए आप वो भी देख सकते हैं। जैसे आप फ्रेंड्स यहाँ से नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, चलिए पहले मैं लेता हूँ रोल नंबर चाहिए मुझे, उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ से उसका नेम भी लेना चाह रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से उसको साइंस भी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप उसका एलियासेस यानी कि यहाँ पर ऊपर जो नाम दिखाना चाहें वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ। टेबल आपके पास सारी की सारी आ जाएगी, क्योंकि आपने जो भी टेबल सेलेक्ट करी है वही आएगी, उसी टेबल का डेटा है। सॉर्टिंग अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स बाय नेम के ऊपर आप कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आप चाहें। उसके बाद में यहाँ पर विजिबल आप इन तीनों फील्ड्स को शो करना चाहते हैं, ऑब्वियसली शो करने के लिए तो हमने उनको सेलेक्ट किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ फंक्शन अगर आप लगाना चाहते हैं, तो फंक्शन अपने है नहीं इसलिए अपन नहीं देख रहे हैं, अभी बाद में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरियन में आपको क्राइटेरिया बताना है, जो भी आप बताना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ साइंस में आके लिख देता हूँ ग्रेटर देन 60, ठीक है। आपको अच्छे से पता है फ्रेंड्स एक स्टूडेंट्स का नाम हमने यहाँ पर जो है वो 59 मार्क्स डाल रखे हैं, ठीक है, 5 रिकॉर्ड हम लोगों ने इंसर्ट किए, तो एक बार मैं इतना ही लिख देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अपने क्वेरी को क्या करना है फ्रेंड्स, रन करना है। तो रन करने की शॉर्टकट आप देख पा रहे होंगे, F5 है रन क्वेरी, इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 65, 94, 87, 87, ठीक है, तो आपके पास जो भी है 60 से ज्यादा वाले नंबर आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, और इस बार फ्रेंड्स अगर मैं F5 दबाऊंगा तो आप देखेंगे आपके पास विनय, ठीक है, एक और आपके पास विजय, विजय के मार्क्स देख सकते हैं आप कितने आए, ठीक है। अपन ने इसको सेट किसके अकॉर्डिंग किया फ्रेंड्स, वो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग किया है, इसलिए ये ऐसा कुछ हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो ले सकते हैं, आज मैं इसको मना कर देता हूँ, यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसको फिर से F5 की को प्रेस करूंगा, आप देखेंगे यहाँ आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, कम से ज्यादा बढ़ते हुए, ठीक है। तो आपके पास पहले 59 वाला आया है, फिर 65, फिर 87, आप चाहते हैं इसको ज्यादा से कम में दिखाने के लिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो है डिसेंडिंग, ठीक है। फिर से F5 की को प्रेस करना पड़ेगा, इस बार आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर ये यह चाहते हैं कि मैं
वो नाम देखना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, तो एक ही है आशीष, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एक तो आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैं लिख देता हूँ सपोज कि विजय, ठीक है, डबल कोट्स में जाके फ्रेंड्स मैं विजय लिखता हूँ। अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो देखिए क्या आएगा, केवल आपके पास यहाँ पर विजय का डेटा आना चाहिए था, ठीक है, आया नहीं है। उसके लिए अपन ये काम करते हैं, यहाँ से इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, सिंगल कोट में जाके लिख देता हूँ विजय, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप F5 की प्रेस करेंगे आप देखेंगे विजय का डेटा आ चुका है, पहले या तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स या मुझसे हो चुकी होगी, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि एक मेरे पास स्टूडेंट है जिसका नाम विजय है जबकि एक है मेरे पास यहाँ पर विनय, ठीक है, मैं एक बार विनय को भी रन करके देखता हूँ विनय है क्या। हाँ मेरे पास विजय भी है और विनय भी है। अब फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों का डेटा लेके आना, तो देखिए कॉमन क्या है, आपके पास वी आई तो कॉमन है, ठीक है, इसके बाद आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, वी आई तो दोनों में कॉमन है, वो नियम दिखाएगा जिनकी स्टार्ट में क्या है वी आई है, आगे भले कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स मैं F5 की को प्रेस कर, तो इस तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सारे के सारे आपको नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ जिसका नाम वी आई से शुरू हो, जैसे विनय भी है और विजय भी है, ठीक है, और भी कुछ नाम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, मैं जाके लिख दूंगा यहाँ पर लाइक, ठीक है, और उसके बाद में फ्रेंड्स आप क्या करेंगे सिंगल कोट में जाके लिख देंगे वी आई और उसके बाद लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार, ठीक है। अब स्टार का मतलब क्या होगा कि वी आई तक तो कॉमन लेगा और उसके बाद में चाहे कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बस स्टार है, अपन को पता नहीं है आगे क्या कुछ है। तो बस मैंने क्या लिख दिया, एक तो लाइक जो लाइक से शुरू हो, लाइक इस टाइप से हो, और उसके अंदर क्या लिखा है फ्रेंड्स अपन ने वी आई। इसके बाद में फ्रेंड्स क्या करना है, अपन को F5 की को प्रेस करना है। आप देखेंगे कि आपके पास में दो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है वी आई से हो, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हिमांशु, हिमांशु का अगर डेटा देखना चाह रहे हैं हिमांशु लिख के देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर ये चाह रहे थे कि मेरे को जो मार्क्स हैं, ठीक है, साइंस के जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स वो मार्क्स देखने हैं जो कि ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, और साथ में मुझे यहाँ पे क्या कर देना फ्रेंड्स और कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, तो आप और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा चाहिए, इससे कम चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्रेटर देन 60 को ही वापस से देख लेता हूँ फ्रेंड्स, F5 की को प्रेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करें क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्वेरी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको फ्रेंड्स इस क्वेरी को एक बार सेव कर देता हूँ, इसका नाम Query 1 रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट किया है फ्रेंड्स, बेसिकली इसका नाम मैं ये रख देता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुल मिला के अपने पास यहाँ पर दो क्वेरी बन चुकी है, ठीक है। टेबल्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, दो तरीके से हमने टेबल बनाई है, एक अपन ने विजार्ड के थ्रू बना ली, दूसरा अपन ने यहाँ पर डिजाइन व्यू के थ्रू भी बना ली, जबकि दूसरा अपने पास क्वेरी था, क्वेरी भी अपन ने यहाँ पर विजार्ड के थ्रू भी बना ली है और साथ में अपने डिजाइन व्यू के थ्रू भी बना ली। फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं, आपने कई बार बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रखे होंगे, जैसे शायद आप लोग जो फ्रेंड्स कई बार फेसबुक वगैरह चलाते तो आपने देखा होगा यूजर नेम टाइप करते हैं, आप अपना पासवर्ड टाइप करते हैं, देन लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको साइन इन करना पड़ता है, कई जगह फ्रेंड्स आप अपना नेम स्टोर करते हैं, कई जगह आप अपनी क्लास, अपने रोल नंबर समथिंग, बहुत सारी चीजें आप स्टोर करते हैं। अब उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा कुछ काम हो रहा होता है, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन को लेके वो कहीं डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है, और फ्रेंड्स उस डेटा को जो है वो फ्यूचर में आप वापस जब कभी देखना चाहें तो उसका एक व्यू क्रिएट करके आपको दिखाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने टेबल को क्रिएट किया जिसमें हमें डेटाबेस के बारे में नॉलेज थी, तो हमने अपना एक डेटाबेस क्रिएट किया, हमने उस डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल क्रिएट करी, टेबल के अंदर हमने अपने डेटास की एंट्री कर दी, उसके साथ में फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है वो क्वेरी को भी बना के देखा है और क्वेरी के थ्रू भी हम लोगों ने अपने डेटा को शो किया, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग ये चाहते हैं कि सपोज हमारा कोई यूजर है जो हमारे इस डेटाबेस को यूज कर रहा है और उसको डेटाबेस के बारे में ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि फ्रेंड्स उसको हम लोग एक इस तरीके का एनवायरनमेंट दे जिससे कि वो इजीली वो डेटा की एंट्री कर सके या उस डेटा को, उस टेबल को इजीली हैंडल कर सके जो हम लोग बना के देने वाले उसको फॉर्म के फीचर में, ठीक है। तो फॉर्म्स को हम लोग देख रहे हैं, उसके लिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से अपना ओपन ऑफिस बेस या लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस बेस को स्टार्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर वैसा ही ऑप्शन आने वाला है जिसमें आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है पहले से बने हुए डेटाबेस को यूज करने वाला हूँ जो हमने पिछले वीडियो में बना के देखा था। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक स्टूडेंट इन्फो है, एक क्लास इन्फो है, मैंने फ्रेंड्स पिछले वीडियो के अंदर क्लास इन्फो बनाया था, मैं उसको एक बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो मैं इसके बाद जस्ट इसको यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। आप देखेंगे
यहाँ हम लोगों ने फ्रेंड्स टेबल क्रिएट करी थी, आपको पता होगा, ठीक है। तो हमने टेबल दो बना रखी थी पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, दोनों टेबल्स हमने क्रिएट करी है। क्वेरी हम लोगों ने दो अलग अलग टाइप की क्वेरी बना के देख ली थी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म क्या होता है हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म बनाने के लिए मेरे पास जो सबसे इजिएस्ट तरीका है वो कौन सा है, यहाँ पर विजार्ड, विजार्ड पे आपको क्लिक करना है, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे जो विजार्ड है। अब विजार्ड में फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा फील्ड सिलेक्शन, आपको कौन कौन से फील्ड लेने, अच्छा यहाँ पर कौन सी टेबल लेने वाले हो, आप यहाँ पर टेबल भी ले सकते हो और आपकी पहले से बनी हुई कोई क्वेरी है तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेरी का जो डेटा आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं फॉर्म के थ्रू वो भी आप करना चाहें और उसके बाद उसमें एंट्री भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं टेबल ले लेता हूँ और टेबल लेने वाला हूँ फ्रेंड्स वो है मेरे पास मार्क्स, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसमें से कौन कौन से फील्ड चाहिए, फ्रेंड्स मुझे सारे के सारे फील्ड चाहिए इसलिए मैं ये सारे फील्ड्स लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट में आपके पास है सब फॉर्म, अगर आपको बनाना है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं सिंपल सा नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स इसका बैकग्राउंड लेआउट कैसा लेना चाह रहा हो, इस टाइप से टेबुलर फॉर्म में, या फ्रेंड्स आप यहाँ से इस टाइप से ले सकते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप रोल नंबर नेम हिंदी और यहाँ पर आप उसकी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जैसे रोल नंबर है उसके बाद नेम हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस इस तरीके से सेट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये लेना चाहें तो ये टेबल था ही आपके पास और ये लास्ट ऑप्शन है जिसमें एक ही रो में सारे फील्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मुझे ये ठीक लग रहा है इसलिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लेफ्ट साइड से चल रहा है, आप अगर राइट करेंगे तो ये राइट साइड में हो जाए, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ मुझे ठीक लग रहा है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने पर बोल रहा है सेट डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री करते टाइम आप अपने यूजर को क्या क्या परमिशन देना चाह रहे हैं, जैसे डो नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, मैं उसको मना करना चाह रहा हूँ जो अभी तक डेटा स्टोर हो गया उसको वो मॉडिफाई नहीं कर सके। अगर आप चाहते हो कि अभी तक का जो डेटा स्टोर हो गया वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। डो नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, आप डिलीट करने की परमिशन नहीं देना चाह रहे हैं तो इसको ले लीजिए। इसके बाद है फ्रेंड्स डो नॉट अलाउ एडिशन ऑफ न्यू डेटा, अगर आप वो भी नहीं चाह रहे हैं तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सिंपल सा है कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्ले ऑल डेटा द फॉर्म, ठीक है, द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा, ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे करना है नेक्स्ट। इसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कौन से कलर को आप लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर फ्रेंड्स इस कलर को लेना चाह रहे हैं, इस कलर को लेना चाह रहे हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लग जाए फ्रेंड्स आप वो कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है, इजी है, आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ इश्यू है नहीं, ठीक है। और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना यही है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके फॉर्म्स के आपने फील्ड बनाए हैं, ठीक है, जो इनपुट टाइप्स है आपके पास जहाँ पर आप वैल्यू स्टोर करेंगे, इस पे फ्रेंड्स अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाह रहे नो बॉर्डर कर दीजिए, 3D लुक देना चाह रहे 3D लुक कर दीजिए, और फ्लैट लिखना चाह रहे हैं फ्लैट भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से फ्लैट लेता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास, आप इसका कोई नेम वगैरह सेट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि मार्क्स इन्फो है। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ, बस फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहें, मॉडिफाई द फॉर्म और वर्क विद द फॉर्म, तो मैं वर्क विद द फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट काम था अपने पास, अपन इसको सिंपल सा फिनिश कर देते हैं। फ्रेंड्स फॉर्म अपना बन चुका है, आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आपने यहाँ पर दो टेबल क्रिएट कर दी थी, दो क्वेरी बना दी थी, फॉर्म अपन ने अभी अभी जस्ट क्रिएट किया है, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक अपन ने स्टोर कर रखी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके सेकंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड इन्फॉर्मेशन, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, फाइव इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी डाल चुके हैं, सिक्स अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैं लिख देता हूँ सिक्स, ठीक है। उसके बाद में नेम डाल देते हैं अपन किसी का, सपोज की फ्रेंड्स मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर कमल, हिंदी के मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप एक और इनपुट करवाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड नंबर आप 8 लेना चाहें 8 ले सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर किसी का नाम लेना चाहें, फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ सपोज चंदन, ठीक है, यहाँ पर चंदन के हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश, जो भी आप सब्जेक्ट डाल रहे हैं उसके मार्क्स आ जाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर 9th डाल देते हैं, और इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नाम लेने वाला हूँ विशाल, ठीक है, और हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इस तरीके से इसको भी अपन ने सेव कर दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स मैंने कंट्रोल एस कर दिया है, आपके रिकॉर्ड जितने भी है वो सारे के सारे यहाँ पर सेव हो चुके हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप किसी को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं एक एक करके पीछे आ सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ हिमांशु के आगे कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, सपोज किसी का नाम था हिमांशु परिहार, ठीक है,
इस टाइप से मैं यहाँ पर एडिट करने वाला हूँ। और इसके जो मार्क्स थे फ्रेंड्स वो मैथ्स में वो 86 नहीं बल्कि 96 थे, मैंने उसको भी मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली आपकी फाइल को यहाँ पर मैंने सेव कर लिया कंट्रोल एस को यूज करते हुए। इस तरीके से फ्रेंड्स आप और नेक्स्ट कर सकते हैं, वापस बैक जाके देख सकते हैं, यहाँ एडिटिंग हो रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आपको लगता है किसी एक रिकॉर्ड को आप यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सपोज फिफ्थ वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ विजय की। ठीक है, यहाँ पर इस डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, डिलीट रिकॉर्ड, सिंपल सा काम है, डिलीट कर देगा। बट पूछेगा एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, यस कर दीजिए, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पर इसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। चाहे ये सारा कुछ तो क्लियर है, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक काम करता हूँ, सर्च करके देख देता हूँ कि यहाँ पर अपने पास कमल नाम का स्टूडेंट कोई है क्या। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कमल लिख देता हूँ। ठीक है, कमल कौन से में है आपके पास, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से फील्ड कौन सा लेने वाले हैं। सपोज नेम, नेम आपके पास कमल है क्या, मैं फ्रेंड सर्च करता हूँ। ठीक है, अगर है तो वो डिस्प्ले कर देगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पीछे कमल आ गया। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो चेंज करके लेने वाला हूँ 8, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं रोल नंबर 8 है क्या अपने पास में। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, रोल नंबर 8 पे चंदन है, वो भी रिकॉर्ड अपने पास यहाँ बैकग्राउंड में आ चुका है। ठीक है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, सर्चिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, ईजी है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने वाला हूँ, तो आप यहाँ फॉर्मेट में जा सकते हैं, फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको तो मैं यहाँ से एक बार क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने फॉर्म का काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा इस फॉर्म को फ्रेंड्स अब मैं एडिट मोड में ओपन कर देता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट कर देंगे तो फ्रेंड्स अब आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इनके बीच का गैप आप चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, बेसिकली फॉर्मेट में जा रहा हूँ और पेज स्टाइल पे जा रहा हूँ। पेज स्टाइल में अभी जो बैकग्राउंड का कलर है आप उसको चेंज करना चाहें यहाँ से, तो जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। आप कलर में है तो कलर ले सकते हैं, ग्रेडियंट में है तो ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो लेना है आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ग्रेडियंट ले लेता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इसको मैं सिंपल सा कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करना है। वापस से फ्रेंड्स अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे तो आपके पास वो नई वाली डिजाइन जो भी आपने अप्लाई की है वो सारी कुछ आ चुकी है। तो फ्रेंड्स फॉर्म जो है यहाँ पर कुछ नया नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अब फॉर्म जो है आप चाहें तो ये अपने यूजर को दे सकते हैं, यूजर इजीली इसके अंदर जो एडिटिंग कर सकता है, अगर उसको ज्यादा डेटाबेस का नॉलेज नहीं है, उसको ज्यादा फॉर्म के मतलब बेसिकली उसको ज्यादा डेटाबेस टेबल इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो इजीली अपने फॉर्म के थ्रू अपने डेटा की एंट्री और जो भी एडिशन करना है या अपडेशन करना है वो इजिली यहाँ पर कर सकता है। अच्छा हमने जिस टेबल के ऊपर एडिट की है, ठीक है एडिटिंग हम लोगों ने जिस टेबल पे की है, हम उसको भी जाकर देखते हैं कि यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चंदन विशाल ये एंट्री करी थी, एक रिकॉर्ड डिलीट किया था और हिमांशु के आगे हम लोगों ने यहाँ पे किया था परियार, और उसके साइंस के जो मार्क्स थे फ्रेंड्स, ठीक है वो यहाँ मैथ्स के मार्क्स सॉरी, तो उसको अपने 96 किया था। ठीक है 86 की जगह, तो सब कुछ यहाँ हो गया। इसका मतलब फ्रेंड्स हम लोग फॉर्म के थ्रू इस टेबल को यहाँ पर एडिट करने वाले। आई थिंक ये बहुत इजी टॉपिक था, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया हो। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक जो है वो तीन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था टेबल किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर जो है फॉर्म को भी डिस्कस कर लिया, और साथ में हम लोगों ने फ्रेंड्स क्वेरी को भी डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स जो फोर्थ अपने पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर जो अपने पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में फ्रेंड्स जो अपने पास फोर्थ जो और बेसिकली कहूँ तो लास्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रेंड्स अपने पास में रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या होती है आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम लोग टेबल में कुछ डेटा स्टोर करते हैं उसके बाद में हम लोगों को कई बार उस टेबल के बेस पर कुछ रिपोर्ट क्रिएट करके देनी होती है, यानी कि उसका जो डेटा है उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में जो है डिस्प्ले करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ऑफिस में कहीं पर भी जो है वो उसको देना पड़ता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको भी इस चीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करी है और उस टेबल के कंटेंट को, उस टेबल को जो एज अ रिपोर्ट अगर आप वहां पर किसी को सबमिट करना चाहते हैं तो आप इजिली कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो लिब्रे ऑफिस, ठीक है लिब्रे ऑफिस बेस को यहाँ स्टार्ट कर लेता हूँ। आप सिंपल सा बेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे कुछ कहेगा किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को, या तो पहले से मैं जो क्रिएट कर चुका हूँ उसको ओपन कर सकता हूँ या मैं नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले क्रिएट कर चुके हैं, आप देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है यूज करने वाला हूँ पहले से जो क्रिएटेड था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है जैसे कि क्लास इन्फो नाम से, ठीक है तो मैं क्लास इन्फो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ फिनिश कर दूंगा, जिससे कि उस डेटाबेस को मैं यहाँ ओपन कर सकता हूँ।
अब देखिए डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कुछ टेबल्स क्रिएट कर रखी है, ठीक है। इसी टाइप से हमने कुछ क्वेरीज भी बना रखी थी, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने फॉर्म भी बनाया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या बनाने वाले फ्रेंड्स, वो है अपने पास रिपोर्ट। देखिए पहले मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूँ। टेबल हम लोगों ने जो बना रखी है फ्रेंड्स, आप यहाँ से स्टूडेंट डिटेल भी ले सकते हैं और मार्क इन्फो भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छे लग जाए। मैं यहाँ पर एक बार स्टूडेंट डिटेल आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। इस टाइप से फ्रेंड्स ये अपने पास कुछ कंटेंट होगा, तो हम लोग इसको यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट इन्फो है, ठीक है, इसको हम लोग, या स्टूडेंट डिटेल नाम की जो टेबल है इसको हम लोग यूज करने वाले अपने फॉर्म के अंदर। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हम लोग वापस चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ रिपोर्ट के पास, ठीक है। रिपोर्ट में अपने पास दो तरीके हैं क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ विजार्ड, ठीक है। अपने सिलेबस में विजार्ड है इसलिए हम लोग फ्रेंड्स यहाँ विजार्ड को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं विजार्ड पे क्लिक करूंगा, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे रिपोर्ट विजार्ड में। एक एक करके स्टेप्स को हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कौन सी टेबल और क्वेरी से आपको डेटा लेना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स को, ठीक है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। जो भी आपको लेना है अपनी रिपोर्ट के अंदर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं सारे डेटा को ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी है, फर्स्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है और सिटी है, ठीक है। तो मैं इसी को एज इट इज रख लेता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट के अंदर आपके पास आएगा लेबलिंग, मतलब वहां आईडी की जगह अगर आप वहां पर रोल नंबर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर अगर आप स्पेस डालना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल सा नेम भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर में फ्रेंड्स आप केवल मोबाइल लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, या कॉन्टेक्ट इन्फो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट इन्फो, ठीक है। इसी टाइप से एड्रेस की जगह आप यहाँ पर फ्रेंड्स सपोज लोकेशन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आप यहाँ पर सिटी लिखना चाह रहे हैं, तो जो भी आपको लेना है आप लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, ग्रुपिंग के लिए आएगा। ग्रुपिंग का मतलब हो गया कि आप यहाँ पर ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स का ग्रुप बना करके उसको अपनी रिपोर्ट में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज कह सकते हैं जोधपुर के कितने लोग हैं, जयपुर के कितने लोग हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं करने वाला हूँ, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अपने पास फ्रेंड्स ऑप्शन आने वाला है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में अपन यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं, या तो आप आईडी वाइज कर सकते हैं, नेम वाइज कर सकते हैं, ठीक है, या सिटी वाइज कर सकते हैं, जैसा भी सही लगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नेम वाइज कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर रोल नंबर वाइज कर लीजिए, आईडी जो है अपन ने जो सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो है लेआउट को चूज करना है, ठीक है। तो लेआउट आपको पीछे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, डिफॉल्ट आपके पास एक लेआउट होगा जो टेबुलर है। आप यहाँ पे कॉलम में ले सकते हैं, सिंगल कॉलम में लेना है, डबल कॉलम में लेना है, ठीक है, थ्री कॉलम में लेना है, इसी टाइप से इन ब्लॉक लेना है, इसी टाइप से ब्लॉक जो लेबल अबो और लेबल लेफ्ट, आप जो लेना चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉलम में, लेता हूँ सिंगल कॉलम, ठीक है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले अपना लेआउट। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन कैसा चाहते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप ले सकते हैं। डिफॉल्ट लैंडस्केप आता है, आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स लास्ट अपने पास जो ऑप्शन आने वाला है वो है कि आप इस रिपोर्ट का कोई नाम देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, बस सिंपल सा है, स्टूडेंट डिटेल रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर इसको डायनामिक और स्टेटिक क्या रखना चाह रहे हैं। स्टेटिक का मतलब होता है जो अभी डेटा रखा है बस वही रहेगा, लेकिन डायनामिक का मतलब इनकेस आपने फ्यूचर में फ्रेंड्स अगर कुछ नया डेटा स्टोर किया है, ठीक है, आपने कहीं कोई वैल्यूज चेंजेस करी तो यहाँ पर उसका जो वैल्यू जब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे, ठीक है, रिपोर्ट में, तो फ्रेंड्स वो वैल्यू भी आपकी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो आपको जो लेना है आप चूज कर सकते हैं। मैं इसको डायनामिक रिपोर्ट ही रख रहा हूँ, और साथ में क्रिएट रिपोर्ट नाउ या अभी और आपको वापस लेआउट चेंज करना, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्रिएट रिपोर्ट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। सारे स्टेप्स पूरे हो गए, अब अपन चलते हैं फ्रेंड्स फिनिश बटन के पास। फ्रेंड्स जैसे ही आप फिनिश करेंगे आप देखेंगे आपके सामने आपकी जो रिपोर्ट है वो बन चुकी है, और वो साथ में आपको ओपन करके भी दिखा देगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन चुका है जिसमें हम लोगों ने जो वैल्यूज थी, ठीक है, उस वैल्यूज को हम लोग देख रहे हैं रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या है आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कई बार पीडीएफ अगर मैं अपनी रिपोर्ट को लेना तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ देखो ऑप्शन है रिपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं जो भी नाम लेना चाहे, जैसे इसी नाम से रख सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपकी बन जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में मैं जाके स्टोर कर देता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो डेटा है, आपकी जो भी टेबल के कंटेंट थे उसको मैंने यहाँ पर एज अ रिपोर्ट क्रिएट कर लिया, और उसके बाद में उसकी पीडीएफ बना के भी रख ली इनकेस अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है। चलिए इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे यहाँ हमारे पास कुछ कंटेंट था, और यहाँ अब हम लोग जो है इनकेस फ्यूचर में हम लोग उस वैल्यूज को फिर से अगर मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स वो मॉडिफाई दिखेगा, लेकिन अपने पीडीएफ में नहीं, रिपोर्ट में दिखेगा, ठीक है। पीडीएफ तो क्रिएट हो गई, वहां कहीं कुछ चेंजेस नहीं होगा। हाँ, जब आप अपने रिपोर्ट्स में आएंगे, रिपोर्ट ऑब्जेक्ट को जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, रिपोर्ट के अंदर ये वाली फाइल जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेशन मिलेगा, लेकिन जो हम लोगों ने पीडीएफ क्रिएट करी है फ्रेंड्स कहाँ पर, अपने माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर,
उसको मॉडिफाई नहीं करेगा भले आपने डायनामिक ले रखा है, क्योंकि वो एक अलग से फाइल हो चुकी है, ठीक है। जबकि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट किसमें है फ्रेंड्स, बेस के अंदर। तो स्टैटिक डायनामिक किस तरीके से है समझ में आ चुका होगा आपको। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली टेबल समझ लिया फ्रेंड्स, क्वेरी को समझ लिया, फॉर्म को समझ लिया, रिपोर्ट को समझ लिया। बेसिकली फ्रेंड्स हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, 10th क्लास में एक इंट्रोडक्शन है जिसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे इजी जो अपने पास होता है वो लिब्रे ऑफिस बेस होता है। हर चीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली हम लोगों ने इन चीजों को सब करके रखा है। तो आप भी फ्रेंड्स सबसे पहले तो यही काम करिए कि ये जो वीडियोस जब आप देख रहे हैं तो साथ साथ में आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं या बाद में भी कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप इन सारे स्टेप्स को, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, सारे स्टेप्स को फ्रेंड्स आप एक एक करके इसको अच्छे से देखिए ताकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस वीडियो में तो हम लोग इतने ही कंटेंट को देखने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर। तो थ्योरेटिकल चैप्टर में जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एसक्यूएल को लेकर के। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल बेसिकली फ्रेंड्स आपके पास कुछ क्वेरीज होती है, ठीक है, बेसिकली उसका फुल फॉर्म यही होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स एसक्यूएल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, एसक्यूएल क्या होता है, इसमें क्वेरी कितने टाइप की होती है, किस क्वेरी के अंदर आप कौन कौन से कमांड जो है या सिंटेक्सेस हम लोग उसके देखने वाले हैं, कौन कौन से कमांड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा थ्योरेटिकली पहले डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और बाद में हम लोग उसको प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल और साथ में एसक्यूएल के अलावा हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले इसके कुछ कमांड्स जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर डीडीएल कमांड, ठीक है। इसके अलावा और भी अपने पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के कमांड्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर एसक्यूएल होता क्या है। तो फ्रेंड्स एसक्यूएल जो है जिसकी फुल फॉर्म अपने पास होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज या अगर हम लोग बात कर सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, बेसिकली जो डेटाबेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई लैंग्वेज जो डेटाबेस को सपोर्ट करती है, तो फ्रेंड्स वो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है वो बैकहेंड में यूज करता है मोस्टली एसक्यूएल कमांड्स को। तो एसक्यूएल है क्या, हम लोग उसको लेकर के बात कर लेते हैं। उससे पहले देखते हैं फ्रेंड्स इन अ डेटाबेस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, ठीक है, बेसिकली डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैन बी डिफाइंड एंड डेटा कैन बी मैनिपुलेट यूजिंग सम कमांड्स। अब वो कमांड्स जो है वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं वो देख लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डेटाबेस टूडे, आज के टाइम के जितने भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करें, चाहे अपना बेस सॉफ्टवेयर है या फ्रेंड्स अपने पास एमएस एक्सेस है या दूसरे और भी जो सॉफ्टवेयर है अपने पास में, जैसे MySQL है अपने पास में, ओरेकल है अपने पास में, ठीक है, तो वो सारे के सारे तो वो क्या यूज करते हैं, तो आजकल जितने भी इन मोस्ट ऑफ द डेटाबेस टूडे SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, SQL कमांड्स आर यूज। तो बेसिकली इन सभी के अंदर जो है SQL को यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके पास में SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही आपको याद रखना होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स SQL कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट वर्क्स विद डेटा, ठीक है। तो SQL के कमांड्स जो है हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इसको यूज किया जाता है बेसिकली, जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप अगर चाहें तो अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस की टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपनी पूरी टेबल को या अपने डेटाबेस को। तो यह एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स SQL कमांड्स कैन बी यूज्ड नॉट ओनली फॉर सर्चिंग द डेटाबेस बट आल्सो टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन, अब आप क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्रिएट टेबल, आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एड डेटा टू टेबल, आप उस टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, और मॉडिफाई डेटा यानी कि आप अपने डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी टेबल्स के अंदर। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपने टेबल को ड्रॉप यानी कि डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आप सेट पैरामीटर यहाँ पर जो परमिशंस फॉर यूजर, तो आप अलग अलग यूजर्स के लिए उसकी परमिशंस को भी सेट कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग इन सारे टॉपिक्स को आगे एक एक करके। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स SQL क्या है, उसके कमांड्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स SQL कमांड्स आर ग्रुप्ड इनटू बेसिकली फोर मेजर कैटेगरीज, ठीक है, कौन कौन सी है उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स SQL स्टेटमेंट्स हैं आपके पास में, एक आपके पास में फ्रेंड्स वो है DML, एक है आपके पास VBL, एक है DCL और एक है आपके पास TCL। देखिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाली जो क्वेरी होती है वो फ्रेंड्स अपने पास ये होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ एक, ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है।
इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, लेकिन ज्यादातर अपन क्या करते हैं, एक बार टेबल क्रिएट हो चुकी उसके बाद क्या करते हैं, टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करना, डेटा के ऊपर सारा काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने पास बेसिकली फ्रेंड्स आपके पास चार टाइप के अलग अलग कमांड्स होते हैं, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग, जिसमें एक है फ्रेंड्स आपके पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, नाम है सिर्फ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा आपके पास है फ्रेंड्स वो है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्रेंड्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है आपके पास में, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे लास्ट वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सबसे ज्यादा यूज में ये आती है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, इनको हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, करते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या होती है फ्रेंड्स अपने पास डीएमएल। डीएमएल में जो है फ्रेंड्स बहुत सारी क्वेरी होती है, उसमें से भी जो टॉप की जो चार क्वेरीज है वो हम लोग बहुत ज्यादा यूज लेते हैं, जिसमें एक आता है फ्रेंड्स अपने पास में सेलेक्ट, एक अपने पास आता है इंसर्ट। सेलेक्ट का मतलब है किसी टेबल के अंदर डेटा पड़ा है, उस डेटा को आपको एक साथ में एक्सेस करना है या उसको रिट्रीव करना है। जैसे आपकी क्लास के अंदर फ्रेंड्स सपोज अपने पास 30 और 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, अब हम लोग ये चाहते हैं ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स है जिनकी 8 ग्रेटर देन 15 है, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 18 है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन अपन को रिट्रीव करनी है, वो सारा डेटा अपन को रिट्रीव करना है, तो किसके थ्रू करेंगे फ्रेंड्स, सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। अब इंसर्ट क्वेरी क्या होता है, आपकी क्लास में स्टूडेंट से एक नया स्टूडेंट आया तो उसकी एंट्री तो होगी ना अपनी टेबल के अंदर, तो वो टेबल की एंट्री किसके थ्रू होती है फ्रेंड्स, इंसर्ट क्वेरी के थ्रू। इंसर्ट मतलब इंसर्ट, अपन आगे इसको पढ़ेंगे भी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डालनी है, जैसे रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फादर नेम आ गया, आधार कार्ड नंबर आ गया, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे थ्रू इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, इसी तरीके से अपडेट, बाय द वे किसी स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन अपन को अपडेट करनी, जैसे टेलीफोन नंबर अपने पास पड़े थे लेकिन उसका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ अपडेट क्वेरी को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स डिलीट क्वेरी है, सपोज कोई स्टूडेंट टीसी हो चुकी है उसकी, हम चाहते हैं हमारे क्लास की जो लिस्ट है उसमें से उस स्टूडेंट का नाम हम लोग हटा दें, तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, डिलीट क्वेरी को कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेरीज है फ्रेंड्स, जैसे मर्ज है, कॉल है, या अपने पास में यहाँ पर कह सकते हैं लॉक टेबल है, तो ये कुछ क्वेरीज है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अपन को फिलहाल ज्यादा नहीं पड़ती है। सबसे ज्यादा यूज अपने क्या आती है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और अपने सिलेबस में भी ये चार ही है। उसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग डीडीएल के बारे में बात करें तो डीडीएल के अंदर अपने पास क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिएट। क्रिएट में आप अपने डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ में आप अपने टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप से एक ऑल्टर होता है, ऑल्टर का मतलब आप अपने जो टेबल आपने बनाई है आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, या आप एक से ज्यादा कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, या फ्रेंड्स आपको लगता है कि कोई टेबल के अंदर जो आपने डेटा टाइप वगैरह चूज किया आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर ड्रॉप को यूज कर सकते हैं, ड्रॉप मतलब आप उस टेबल को यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं कम्प्लीटली, या आपने डेटाबेस को डिलीट करना चाह रहे हैं, मतलब ड्रॉप का मतलब बेसिकली यहाँ पर आपके पास डिलीट होने वाला है, ठीक है, जिसमें पूरी टेबल ड्रॉप हो जाएगी या पूरा डेटा आपका ड्रॉप हो जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स ट्रंकेट है, ठीक है, कमेंट है अपने पास में, और साथ में रिनेम भी, आप अपने डेटाबेस को टेबल को रिनेम कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स कुछ डीसीएल कमांड होते हैं, बेसिकली यहाँ पर ग्रैंड और जो है रिवोक के ऑप्शंस मिलते हैं आपको। उसके अलावा फ्रेंड्स अपने पास टीसीएल कमांड्स होते हैं जो आप जानते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसमें फ्रेंड्स अपने पास कमिट है, या अपने पास सेव पॉइंट है, या रोल बैक है, अपने पास रोल बैक के बाद सेट ट्रांजेक्शन है। तो कुछ कमांड्स हैं जो हम लोग यहाँ थोड़ा थ्योरिटिकली डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं डीएमएल कमांड को, और साथ में यहाँ यूज करेंगे डीडीएल कमांड को। आई थिंक बेसिक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, या ये वाली जो स्लाइड है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इसके आगे हम लोग एक एक करके इसको वापस आगे देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, फर्स्ट जो अपना टॉपिक था वो था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मैं आपको याद रखना है, बस आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करेंगे आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, या तो आप यहाँ पर काम करेंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है, या फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आप वैसे बेसिकली डेटाबेस के साथ है, या आप फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी डेटा डेफिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली टेबल को क्रिएट करने का काम कर सकते हैं या आपके डेटाबेस को क्रिएट करने का। तो यहाँ पर आप सिंपल सी लैंग्वेज में, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँ तो जब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस को मॉडिफाई करना है, टेबल क्रिएट करनी है, टेबल को मॉडिफाई करना है, मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो किसके थ्रू करते हैं आप, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन अगर आपने जो टेबल क्रिएट कर दी है, अब टेबल के अंदर के डेटा को अगर फ्रेंड्स आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं,
उसके लिए आपके पास क्या होता है, डीएमएल कमांड, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हम लोग पहले इसको देखने वाले हैं फ्रेंड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डीडीएल कमांड्स अनेबल यू टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। क्या क्या करने को कहता है फ्रेंड्स, या तो आप कर सकते हैं क्रिएट ऑल्टर एंड ड्रॉप स्कीमास और ऑब्जेक्ट, ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, ग्रैंड और जो रिवोक है ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में आप यहाँ कर सकते हैं ऐड कमेंट्स टू द डेटा डिक्शनरी, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पर काम है जिसमें हम लोग अभी जो यूज करने वाले वो क्रिएट ऑल्टर और ड्रॉप को देखेंगे एक एक करके। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो वो है अपने पास टीसीएल, जिसमें ट्रांजेक्शन आपके जो भी है ट्रांजेक्शन उनको कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड, अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा, जब अपन कुछ डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं उसी फाइल पे, मैं भी कर रहा हूँ आप भी कर रहे हो, तो जो अपडेशन वगैरह जो भी हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस टेबल के साथ, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है फ्रेंड्स, टीसीएल का। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल सिस्टम या जो भी आपके पास जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड है, मैनेज चेंजेस मेड बाय डीएमएल कमांड, जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, डीएमएल, जिसको मैंने आपसे कहा था कि आप अपने टेबल के अंदर कुछ अपडेट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो कह रहा है चेंजेस मेड बाय डीएमएल कमांड्स, ठीक है, दीज एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग चेंजेस अफेक्टिंग द डेटा, दीज कमांड्स आर कमिट रोल बैक एंड सेव पॉइंट। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो डीएमएल कमांड ने जो काम किया, डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ने जो काम किया, जैसे अपने टेबल्स में से कुछ डेटा लेना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो उन सब के ट्रांजेक्शन को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पर टीसीएल। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें, तो वो अपने पास आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि इट इज यूज टू क्रिएट रूल्स, परमिशंस एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एज वेल, ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस बाय सिक्योरिंग इट। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, तो दिस एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, दिस कमांड्स आर ग्रैंट और रिवोक। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये परमिशन से रिलेटेड हो गया, आपके पास डेटा कंट्रोल करता है, डेटा को पूरा कंट्रोल कर रहा है, इसलिए परमिशन से रिलेटेड आपको फीचर मिलता है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कमांड्स मिलते हैं, एक है ग्रांट और एक है आपके पास रिवोक। इसी तरीके से लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने पास, वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। क्या होता है, दिस एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग। तो क्या करता है फ्रेंड्स, एक तो स्टोर करता है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रेंड्स इंसर्ट, ठीक है, एक तो इंसर्ट करता है, उसके अलावा रिट्रीविंग का काम है, डेटा को रिट्रीव करना, उसके लिए अपने पास क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मॉडिफाइंग, मॉडिफाई के लिए अपने पास क्या है फ्रेंड्स, वो है अपडेट, ठीक है। और उसके बाद है डिलीटिंग, डिलीटिंग के लिए अपने पास क्या है, कमांड का नाम ही क्या है, डिलीट, ठीक है, बेसिकली डिलीट कमांड है। तो अपने पास यहाँ पर कौन कौन से कमांड है, सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट कमांड, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पहले डीडीएल कमांड को, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन कमांड्स को जो कि डीएमएल कमांड होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग पहले देखते हैं एक बार कुछ कमांड्स जो डीडीएल से रिलेटेड है। तो डीडीएल कमांड में हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो है अपने पास क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड क्या करता है, क्रिएट करता है, किसको क्रिएट करेगा फ्रेंड्स, या तो मैंने आपसे कहा भी था कि या तो ये क्रिएट करेगा डेटाबेस, ठीक है, या नहीं तो क्या क्रिएट कर देगा, ये अपने पास यहाँ कोई एक टेबल को, या तो डेटाबेस क्रिएट करेगा या फिर ये टेबल को क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं क्रिएट स्टेटमेंट आर यूज फॉर बोथ डेटाबेस एंड टेबल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स डेटाबेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा क्रिएट और उसके बाद डेटाबेस का जो भी नाम है आपके पास, ठीक है, तो आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट, ठीक है, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या रखने वाले हैं फ्रेंड्स, आप सपोज टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन क्रिएट डेटाबेस लिखना पड़ेगा जब आपको नया कोई डेटाबेस क्रिएट करना, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे फ्रेंड्स तो होगा क्या, आपके पास इस तरीके से एक डेटाबेस क्रिएट होगा और डेटाबेस का कुछ नाम रखने वाले हैं फ्रेंड्स, आप हम कुछ भी नाम रख रहे हैं, जो भी नाम रखेंगे वो नाम रह जाएगा टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करने होंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको यहाँ कोई टेबल को क्रिएट करना होगा, ठीक है, इसके अंदर आप एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें सपोज यहाँ अपने पास फ्रेंड्स तीन फील्ड्स होंगे, पहले का नाम सपोज स्टूडेंट आईडी हो सकती है, दूसरे का नाम सपोज स्टूडेंट नेम हो सकता है, तीसरे का नाम सपोज मोबाइल नंबर, एज या एड्रेस, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो हमने पहले क्या बनाया फ्रेंड्स, अभी तो डेटाबेस क्रिएट कर दिया, आप दो चीजें बना सकते हैं, या तो डेटाबेस, डेटाबेस के लिए क्या है क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग क्या बनाने वाले फ्रेंड्स, वो है अपने पास टेबल। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स टेबल क्रिएट करना, टू क्रिएट टेबल,
तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी क्रिएट अ टेबल वी हैव टू स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ कॉलम्स। जैसे मैंने कहा था आपको कि एक टेबल है आपके पास, उसमें कितने कॉलम है, तीन कॉलम है, तो उनके नाम क्या होंगे, उनका टाइप क्या होगा, वो भी आपको पता रखना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड्स मैंने कहा था कि एक आपको यहाँ आईडी चाहिए, एक आपको यहाँ पर चाहिए था फ्रेंड्स सपोज नेम, ठीक है, और एक आपको यहाँ पर क्या चाहिए सपोज एज, ठीक है। तो एज किस टाइप का होगा, आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी, किसी की एज क्या होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, तो फ्रेंड्स ये जो टाइप है आपके पास किस टाइप का हो जाएगा, इंटीजर। वैसे ही आईडी क्या है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, तो आईडी भी आपके पास क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, सपोज इंटीजर। और नेम, नेम किस टाइप का होगा, क्योंकि नेम में तो टेक्स्ट आता है आपके पास, तो यहाँ पर हम लोग जो है फ्रेंड्स यूज कर लेंगे वेर केयर, ठीक है, क्या यूज कर लेंगे वेर केयर। वेर केयर मतलब यहाँ वेरिएबल कैरेक्टर्स है, आप यहाँ पर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, और वो कैरेक्टर्स जो आप ले रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सपोज 100 लिखता हूँ, तो 100 का मतलब है आप मैक्सिमम आप 100 तक ले सकते हैं। अब इस 100 में से भी अगर आप चाहें तो 10 कैरेक्टर लिखेंगे, तो केवल मेमोरी में 10 को ही ऑक्यूपाई किया जाएगा, ठीक है। एक आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर वेर केयर होता है, एक आपके पास केयर होता है। तो केयर में क्या होता है, अगर आपने 20 बोल दिया तो 20 लेगा, जैसे मैं कह सकता हूँ हम लोग के रिजर्व हो जाएगा उसके अंदर, जैसे कि एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट बैठे हैं, अब बैठे वाले आपके पास 20 है, लेकिन सीटिंग आपके पास आपने अगर 40 की रिजर्व कर रखी है, 20 ही बैठे, बाकी वाला वेस्ट हो रहा है जो भी स्पेस है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपने 100 लिख दिया और 20 करेक्टर, तो मेमोरी रैम के अंदर केवल 20 के स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाएगा, या स्टोरेज के अंदर 20 करेक्टर्स को स्टोर करने का स्पेस ही ऑक्यूपाई किया जाएगा, भले यहाँ 100 लिखा है, मैक्सिमम लिमिट हमने यहाँ बता दी। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, वी कैन स्पेसिफाई द नेम एंड डेटा टाइप। जैसे मैं कह रहा था भाई, नाम कौन सा होगा आपके कॉलम का, आईडी होगा, नेम होगा, एज होगा, ठीक है। एक तो आपको उसका नाम स्पेसिफाई करना है, दूसरा उसका डेटा टाइप, जैसे इंटीजर है, वेरकेर है, या और कुछ टाइप है जो भी आप लेना चाहें, ठीक है, ऑफ वेरियस कॉलम इन द क्रिएट कमांड इटसेल्फ फॉलोइंग द सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है फ्रेंड्स, आपको पहले लिखना पड़ेगा क्रिएट, उसके बाद आप लिखेंगे टेबल, क्योंकि इस बार हम लोग डेटाबेस क्रिएट नहीं कर रहे, क्या क्रिएट कर रहे हैं, टेबल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, उसके बाद क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, टेबल का नाम जो भी लिखना चाहे। उसके बाद अपने पास आएगा कॉलम वन, अगर आपके पास एक कॉलम है, सामने आपको उसका टाइप बताना पड़ेगा, कॉमा करके आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको समझना है इसके लिए फ्रेंड्स न्यू लाइन लिखी है, आप न्यू लाइन में भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो कंटिन्यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम के लिए फ्रेंड्स कॉलम टू डेटा टाइप स्पेस डाल रखा है। नेक्स्ट है कॉलम थ्री है आपके पास में, कॉलम नेम थ्री, डेटा टाइप थ्री, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ऐसी फ्रेंड्स फोर्थ कॉलम का नाम बता दो और उसका टाइप बता दो और उसके बाद फ्रेंड्स ब्रैकेट करके सेमी कॉलम। एक चीज इंपॉर्टेंट, आपको लास्ट में क्या लगाना जरूरी है, सेमी कॉलम, ठीक है। सेमी कॉलम का मतलब है ये स्टेटमेंट अब टर्मिनेट हो चुका है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैनुअली हम लोग इसको क्रिएट करें तो ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। टेबल का नाम क्या होगा फ्रेंड्स, इस पूरी टेबल का नाम क्या अपने पास, स्टूडेंट। अब उसके अंदर यानी इस ब्रैकेट के अंदर अपन को मेंशन करना होगा, एक तो स्टूडेंट आईडी, ये क्या फ्रेंड्स अपने पास में यहाँ पर नेम, उसके बाद ये है इंट, इंट का मतलब क्या, उसका टाइप क्या होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास है नेम, नेम क्या है, वेर केयर टाइप का होगा, जिसमें मैक्सिमम 100 करेक्टर स्टोर हो सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास एज है, एज में क्या स्टोर होगा अपने पास, इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या बता दिया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप, और डेटाबेस सॉरी इसके अंदर आपने बता दिया आपने जो भी फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, उनके नेम, और साथ में आपने बता दिया उसका डेटा टाइप, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स टेबल क्रिएट करना आपको आ गया होगा, आपने आई थिंक इसको बेस्ट इसको समझने के लिए फ्रेंड्स चाहे तो आप एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपने पास ऑल्टर कमांड। क्रिएट बेसिकली दो ही काम करता है, या तो डेटाबेस बनाएगा या फिर क्या कर देगा, टेबल को बना देगा। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पर डेटाबेस बना दिया या आपने अपनी टेबल को क्रिएट कर दिया, अब फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं अपने टेबल में कहीं कुछ मॉडिफाई करना, तो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑल्टर कमांड, ऑल्टर क्या करता है बेसिकली, उसमें मॉडिफाई करेगा, तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स द ऑल्टर कमांड इज यूज्ड फॉर अल्टरिंग द टेबल स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या है, आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बनाई थी, हमने यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड्स सपोज नेम, और नेम के अंदर आपने कितना लिखा था, 100 करेक्टर्स हो सकता है वेर के। आप टाइप चेंज करना चाह रहे हैं डेटा टाइप का, या आप उसकी लिमिट चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऑल्टर कमांड के। तो इसमें भी क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले एड अ कॉलम, आप इसके अंदर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर जो टेबल बना रखी है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक नया कॉलम एड कर सकते हैं एक तो। दूसरा है फ्रेंड्स आप रीनेम कर सकते हैं किसी कॉलम को, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ नेम लिख रखा था, मैं चाहता हूँ उसको स्टूडेंट नेम कर दूँ, कॉलम को रीनेम करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, टू रीनेम एनी एग्जिस्टिंग कॉलम, जो भी कॉलम बना हुआ है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू
ऑल्टर कमांड। इसी तरीके से फ्रेंड्स, टू चेंज डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम, जैसे मैंने आपसे कहा भी था, आप कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, साथ में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी साइज, उसके टाइप को। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप मतलब डिलीट कर सकते हैं। तो किसी भी टेबल के अंदर के एक डेटा के, या बेसिकली कह सकते हैं किसी टेबल के एक फील्ड को, एक कॉलम को आप डिलीट करना चाहें तो थ्रू ड्रॉप कमांड आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास आता है ऑल्टर कमांड, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एडिंग अ कॉलम। क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर अपन को क्या ऐड करना है, एडिंग अ कॉलम, एक नया कॉलम ऐड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसके लिए लिखूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, एड कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। जैसे अपन यहाँ पर लिखने वाले फ्रेंड्स वो है ऑल्ट, उसके बाद यानी कि ऑल्टर है, टेबल है, स्टूडेंट है, उसके अंदर क्या करना है, एड। तो ऑल्टर के साथ आपको टेबल का नाम बताना पड़ेगा, टेबल, टेबल नेम, उसमें क्या करना है आपको एड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड, क्या ऐड करना है फ्रेंड्स, एड्रेस ऐड करना है, और साथ में क्या बता रहा हूँ, उसका डेटा टाइप और साथ में उसकी लिमिट जो भी है अपने पास, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करेगा फ्रेंड्स, अगर आपने सपोज यहाँ पर तीन फील्ड्स बनाए थे, अब इसमें कितने हो गए, फोर फील्ड हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपने पास एक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल न्यू कॉलम ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, पहले वाले में एक किया, इस बार दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, जितने आप चाहें। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, ये तो पूरा वही है, बस कॉलम नेम, डेटा टाइप वन जो लिखा था उसके बाद आप कॉमा करके दूसरा भी लिख सकते हैं, उसका भी टाइप है, तीसरा बता सकते हैं, उसका भी टाइप है, सिंपल है। पहले में एक लिखा था, इस बार हमने एक से ज्यादा लिख दिया, तो आप मल्टीपल कॉलम्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने किया भी है, ठीक है, क्या लिख दिया, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड फादर नेम ले लिया है, जो वेर केयर 60 है, मैक्सिमम 60 करेक्टर तक का फादर नेम हो सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स, मदर नेम ले लेता हूँ, वेर केयर 60 है, और साथ में डेट ऑफ बर्थ भी मैं लेने वाला हूँ, जो किस टाइप का होगा, डेट टाइप का, ठीक है। आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका भी एक बार एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरीके से फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं, वो अपने पास ऑल्टर कमांड के अंदर क्या है, मॉडिफाई डेटा टाइप। अब अपन को क्या करना है, एक कॉलम है उसके डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ पर साथ में क्या बताना है अपन को, मॉडिफाई, बस मॉडिफाई लिखना है, किस कॉलम को करना है, उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो यहाँ अपन ने क्या किया है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई लिख रहा हूं मैं, एड्रेस वेर केयर 300, पहले वाले में अपन ने फ्रेंड्स 200 लिखा था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ हम लोगों ने जो लिखा था फ्रेंड्स वो 200 था अपने पास, वेर केयर 200 एड्रेस, अब मैं 200 की जगह उसकी लिमिट बढ़ा के 300 करना चाह रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो है रीनेम करना, आप रीनेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उसका सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम ओल्ड कॉलम नेम क्या है, उसकी जगह आप उसका नया नाम क्या देना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से जो भी पुराना फील्ड है उसका सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ फील्ड को, तो क्या लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, रीनेम एड्रेस टू लोकेशन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुराना नाम क्या था उस फील्ड का, एड्रेस, अब उसका नया नाम क्या हो जाएगा अपने पास, लोकेशन, ठीक है। आई थिंक ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको, रीनेम कैसे कर सकते हैं आप अपने कॉलम को। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं नेक्स्ट, वो अपने पास है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या करता है फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉप को लेकर, ड्रॉप और रिमूव कॉलम्स, आप अपने कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। देखिए, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, जो भी है, ड्रॉप और कॉलम का नाम बता दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ अपने पास अगर चार पांच फील्ड जो भी डाले थे अपन ने, उनमें से किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे कि एड्रेस को था, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, किसी को भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को, तो आप कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, ठीक है, क्या बताना पड़ेगा, ड्रॉप, और उसके बाद क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर एड्रेस, तो वो एड्रेस वाले कॉलम को डिलीट कर देगा, याद ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और लास्ट टॉपिक है अपने पास ड्रॉप कमांड को और अच्छे से देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ड्रॉप देखा है, ठीक है, ये जो ड्रॉप है वो क्या, ऑल्टर के साथ लगने वाला, अब अपने आप में खुद एक कमांड भी है आपके पास में, ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड क्या करता है, कम्प्लीटली रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, क्या करेगा, पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगा। दिस कमांड विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द टेबल स्ट्रक्चर, टेबल को ही डिलीट कर देगा, टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देगा, और साथ में उस टेबल के अंदर कोई डेटा स्टोर है तो उस डेटा को भी ये यहाँ से डिलीट कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, अपन को लिखना होता है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, बस इतना लिखना होगा, जैसे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट वाली जो टेबल है
जितना भी डेटा अपन ने अभी तक स्टोर कर रखा है उन सबको डिस्ट्रॉय करना है, सबको डिलीट करना है, ये एक छोटा सा कमांड लिख। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहें तो अपने टेबल को ही नहीं अपने पूरे डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं, पूरे डेटाबेस को भी हम लोग यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, इट कैन बी यूज फॉर डेटाबेस, ठीक है, टू डिलीट द कंप्लीट डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल टू ड्रॉप अ डेटाबेस, आपको ये लिखना पड़ता है ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट। तो जो भी आपने टेस्ट नाम का जो यहाँ पर बनाया है डेटाबेस, उस टेस्ट को ये पूरा डिलीट कर देगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स वो अपने पास है डीएमएल कमांड। अब डीएमएल कमांड क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स, जो भी हम लोग अपने टेबल क्रिएट करते हैं उस टेबल के अंदर जो आपने डेटा स्टोर करना है, ठीक है, अपने पास एक टेबल बनी हुई है। सपोज मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ फ्रेंड्स, अपने पास एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को बनाने के लिए अपन को जो कमांड यूज करना था वो कौन सा था, क्रिएट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल किसका था, आपके पास डीडीएल कमांड था, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर आपको कोई रोल नंबर डालना है, सपोज रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका कोई नाम है आपके पास, कोई एज है अपने पास, कोई एड्रेस है अपने पास। तो फ्रेंड्स डेटा को डालना, डेटा को इंसर्ट करने का काम किसका होता है फ्रेंड्स, डीएमएल कमांड का। और बेसिक चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी कि यहाँ अगर आपको फ्रेंड्स कोई डेटा स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं फ्रेंड्स, इंसर्ट कमांड। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3-4 रिकॉर्ड, 10-20 रिकॉर्ड मैंने स्टोर कर दिए हैं, इंसर्ट कर दिए हैं या ऐड कर दिए हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारे डेटा मुझे फिर से रिट्रीव करने हैं, जो मैं अपने सॉफ्टवेयर पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, अपने टेबल में जो डेटा है वो मुझे उठाना है। जैसे वेबसाइट्स पे हम लोग देखते हैं डेटा अपने पास शो होता है, तो फ्रेंड्स इस टेबल में से अगर मुझे डेटा रिट्रीव करना है, डेटा उठाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कमांड जो यूज करते हैं वो क्या होता है, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड क्या करता है फ्रेंड्स, इस टेबल के अंदर के डेटा को उठा के हमको देता है, वो किस तरीके से उठाना है आगे हम लोग देखें। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं सपोज यहाँ पर किसी डेटाबेस, इस टेबल के अंदर जो कोई डेटा है, पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड है, उसको फ्रेंड्स मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्वेरी आएगी अपने पास जो है वो है डिलीट। और लास्ट में फ्रेंड्स अगर मुझे यहाँ से पे कोई भी अपने पास एक रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए अपने पास क्या आएगा फ्रेंड्स, वो है अपडेट कमांड, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पर फ्रेंड्स 4 टाइप की क्वेरी है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से और भी अपने पास यहाँ क्वेरी होती है, लेकिन हम लोग इतनी देखेंगे, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्वेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अपने सिलेबस में भी है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी का बेसिक काम क्या होता है, जो टेबल बनी हुई है उसमें से डेटा उठा। तो देखिए मेरे पास क्या है फ्रेंड्स, एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर अपने पास कुछ अलग अलग डेटा पड़ा है, ठीक है। अब इसमें जो डेटा है वो किस टाइप से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ एक टेबल क्रिएट कर रखी है, इस टेबल के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले कितने फील्ड है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है और एज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अपने पास में एस आईडी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ अपने पास फ्रेंड्स नेम है और अपने पास यहाँ पर एज है। हो सकता है इससे अलावा और इसके अलावा और भी कोई फील्ड है, जैसे कि मैं लेने वाला हूँ एड्रेस, ठीक है, जैसा हमने पिछले टेबल में क्रिएट भी किया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आईडी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इनके कोई नाम है, कुछ भी नाम हो सकते हैं। इसके अलावा एज है फ्रेंड्स, कोई है 15 है, कोई 20 है, कोई यहाँ पर 25 है, कोई 30 है, कोई 17 है, जो भी है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसका कोई एड्रेस होगा, कुछ अलग सा एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स इस टेबल के अंदर से मुझे क्या करना है, डेटा को उठा के लेके आना है, डेटा को रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ जो कमांड है वो क्या है, सेलेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी क्या करता है, इस टेबल में से डेटा को उठा के लेके आएगा। तो फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट, ठीक है, किसको सेलेक्ट करना है, इस टेबल के अंदर से कौन कौन से फील्ड को, वो फील्ड बताओ, 1, 2, 3 जितने लिखोगे वही आएंगे। जैसे फ्रेंड्स मैंने वहां 3 लिखे तो 3 आएंगे, 4 लिखूंगा तो 4 आ जाएंगे। मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम कॉमा एज। तो बस ये फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर 3 फील्ड मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कौन सी टेबल से, तो इस टेबल का एक नाम है, क्या नाम है फ्रेंड्स, वो है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया है, सेलेक्ट, सेलेक्ट कर दो किसको, स्टूडेंट आईडी को, नेम को और एज को, कहां से, स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर से। सिंपल सा है, ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, यहां से लेकर के इतना डेटा आपको उठा के दे देगा, सारे के सारे रिकॉर्ड आपको उठा के दे देगा। लेकिन फील्ड कितने देगा, केवल आपको 3, ये आपके पास है फील्ड 1, ये आपके पास है फील्ड 2 और ये आपके पास है फील्ड 3। तो टोटल आपको 3 फील्ड देने वाला है, कौन, सेलेक्ट क्वेरी। लेकिन अगर आपको लगता है फ्रेंड्स आपको 3 नहीं, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, इसके बाद भी और है, जैसे अपन उसमें पिछले वीडियो में देखा था, फादर नेम था, मदर नेम था, डेट ऑफ बर्थ था, जो भी फील्ड्स आप लेना चाह रहे हैं, सारे के सारे जितने भी फील्ड्स है भले उस टेबल के अंदर,
ठीक है, इसमें अपन ने 4 बनाया, 5 6 7 जितने भी फील्ड्स हो सारे लेना चाहते हो तो या तो फ्रेंड्स उन सबके नाम लिखो आप, या आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर यूज कर सकते हो स्टार। बेसिकली फ्रेंड्स स्टार का मतलब होता है ऑल फील्ड्स, ठीक है। बेसिकली स्टार का मतलब क्या, आपके पास ऑल फील्ड्स, स्टार का मतलब है ऑल फील्ड्स। तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट ऑल फील्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्या कर देगा इस टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उन सभी का पूरा डेटा मुझे निकाल के देगा और मैं यहाँ पर उसको यूज कर सकूंगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं और लिखने वाला हूँ नेक्स्ट है अपने पास, वो है सेलेक्ट ऑल, यानी कि सारे फील्ड्स लेने हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। सिर्फ मुझे वही रिकॉर्ड लेने हैं फ्रेंड्स जिनकी एज क्या है 25 से ज्यादा है। अगर 25 है उसको भी नहीं लेगा, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया है ग्रेटर देन 25 लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा 25 के बाद वाले 26 27 28 या उसके अलावा आगे जो भी है वो सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे दे देगा। तो यहाँ इस टेबल में अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स अपने पास एक रिकॉर्ड है 30 और एक रिकॉर्ड है जिसमें है 25, तो 25 को नहीं देगा, क्या देगा अपन को 30 वाला एक रिकॉर्ड मिलेगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। और अगर एक्चुअल में अपने पास जितना भी डेटा है, एग्जाम में हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए इस क्वेरी को लेकर के, तो वहां आपके पास 10 रिकॉर्ड हो सकते हैं, उनमें से कोई एज दी जा सकती है, उसमें से आपको उठाना है, तो आपको क्या देखना है एज इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू नीरज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे नाम है, मैं इस टेबल में से केवल नीरज नाम के डेटा को लेना चाह रहा हूँ, अगर नीरज एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा नीरज आपको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं लिखने वाला हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन 20, वो एज लेके आनी जो फ्रेंड्स लेस देन 20, जैसे 15 वाला है 17 वाला है वो लेकर के आना है। अब ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स इसके अंदर एक से ज्यादा रिकॉर्ड 15 के हो, 15 के 5 स्टूडेंट है, 17 के 6 स्टूडेंट है, 16 के 18 स्टूडेंट है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनकी एज इक्वल हो ना, जैसे 15 के एज के कितने हैं के साथ 20 स्टूडेंट्स है 15 एज के, इसी टाइप से 16 के कितने हैं 16 के फिर अपने पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो वो एज के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ वो ग्रुप बनकर के आए। 25 वाले कितने स्टूडेंट हैं 25 के एक स्टूडेंट है, अच्छा इसी टाइप से 23 के कितने स्टूडेंट है 7 स्टूडेंट्स है, अच्छा 19 के कितने हैं 15 स्टूडेंट है, इस टाइप से फ्रेंड्स क्या है एज को ग्रुप में अगर आप डिस्प्ले करना चाहते तो आप कर सकते हो ग्रुप बाय एज, ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा अपने पास काम आने वाली जो क्वेरी होती है फ्रेंड्स डेटाबेस में वो क्या होती है सेलेक्ट क्वेरी, और इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, बट अपने सिलेबस में इतनी है बेसिक सा है इसलिए हम लोग एक बार इसको डिस्कस करें, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट अपनी जो क्वेरी है वो अपने पास है इंसर्ट क्वेरी, पहले हम लोग इंसर्ट को देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग अपडेट और डिलीट को भी देखने वाले हैं इसी स्लाइड। तो फ्रेंड्स इंसर्ट क्वेरी में क्या होता है, आपने जो टेबल अभी क्रिएट कर रखी थी इस टेबल के अंदर फ्रेंड्स आपको कोई डेटा स्टोर करना है, कोई नया डेटा अगर आप डालना चाह रहे तो आप डाल सकते हैं, उसके लिए क्या लिखना होगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है इंसर्ट करना है, ठीक है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आगे क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट आईडी नेम और एज, अगर ये तीन फील्ड है तो आपके पास चार है तो आप एड्रेस भी लिख सकेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यूज, वैल्यूज मतलब इनकी वैल्यूज क्या होगी, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट आईडी आपके पास हो जाएगी 101, नेम आपके पास हो जाएगा फ्रेंड्स सपोज भावेश और उसकी एज कितनी है सपोज 13, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर फ्रेंड्स एक और रिकॉर्ड ऐड करना है आपको फिर से लिखना होगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम कॉमा एज ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद वैल्यूज ब्रैकेट में 102, कोई नाम है सपोज फ्रेंड्स चंदन और उसकी जो एज है ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में टर्मिनेट, मतलब इस क्वेरी को आपको मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा अगर आप एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड हमेशा एक एक करके ही स्टोर होता है टेबल के अंदर। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से किसी के नाम को चेंज करना चाह रहे हो अपडेट क्वेरी में, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे फ्रेंड्स जैसे अपडेट स्टूडेंट, किस टेबल को अपडेट करना है आपको, तो फ्रेंड्स मैं करने वाला हूँ स्टूडेंट वाली टेबल को, इस टेबल का नाम अपने पास क्या था फ्रेंड्स स्टूडेंट, ठीक है। इस टेबल को मुझे अपडेट करना है तो क्या लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट, उसके बाद क्या करना है सेट, सेट करना है भाई किस फील्ड को सेट करना है वो बताओ। तो फ्रेंड्स वैसे तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स पड़े थे, नेम भी था आईडी भी थी, बट मैं किसको सेट कर रहा हूँ एज को, एज इक्वल्स टू 16। फ्रेंड्स सपोज उसकी एज पहले 19 लिखी होगी, अब मैं उसको 16 करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल्स टू 16 वेयर नेम इक्वल्स टू विनीता। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ वेयर नेम इक्वल्स टू विनीता तो वो क्या कर देगा इस टेबल में अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स है 200 रिकॉर्ड्स है या जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी को क्या कर देगा सभी की एज को 16 कर देगा। तो हम सभी की एज को 16 नहीं कर रहे, हम तो किसको कर रहे हैं जिसका नेम क्या है विनीता है,
जिसकी आईडी सपोज जो भी स्टूडेंट आईडी वो सपोज आपके पास 5 है, या जिसकी एज आपके पास 16 है उनकी एज अपन को 17 करनी है, 15 है तो 16 करनी है, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको वेयर क्लॉज को यूज करना पड़ेगा, वेयर नेम इक्वल्स टू मैंने लिखा है विनीता, ठीक है, आई थिंक ये समझ में आएगा। अपडेट क्वेरी, इसी टाइप से फ्रेंड्स डिलीट क्वेरी। अब डिलीट में क्या लिखा है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर डिलीट क्वेरी में डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्या कर देगा सारे के सारे फील्ड्स डिलीट स्टार, ठीक है, डिलीट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब है ये क्या कर देगा, ये स्टूडेंट टेबल के अंदर जो कुछ भी डेटा पड़ा है उन सभी को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना तो आपको लिखना पड़ेगा डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू अमन, तो जो अमन का रिकॉर्ड है अपन क्या करेंगे उस पर्टिकुलर एक अमन वाले रिकॉर्ड को ही डिलीट करेंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे वेयर नेम, आपको मैंने ऊपर भी कहा था अगर आप वेयर नेम इक्वल्स टू विनीता नहीं करेंगे सभी को 16 कर देगा, ऐसे अगर आप यहाँ वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो ये जितनी भी टेबल के अंदर जितना भी डेटा है सभी को एक साथ डिलीट कर देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। और आप चाहते हैं कि टेबल की कंटेंट भी रिमूव हो जाए, स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाए, पूरी की पूरी टेबल ही आपकी रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उसके लिए अपने पास कौन सी क्वेरी थी, अपने पास जो हम लोगों ने जो कमांड यूज किया था कौन सा था, ड्रॉप कमांड, ठीक है, ड्रॉप कमांड कह दो या ड्रॉप क्वेरी कह दो। डिलीट क्वेरी क्या काम करती है आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमारे पास चार टाइप की क्वेरी थी, पहले हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स सेलेक्ट क्वेरी क्या काम करता है, एक टेबल के अंदर से डेटा को उठा के लेके आता है, ठीक है, डेटा को रिट्रीव करने का काम करता है। अब टेबल के अंदर डेटा स्टोर करने का काम किसका होता है फ्रेंड्स, इंसर्ट क्वेरी का। अब उसके रिकॉर्ड स्टोर तो हो चुके हैं, ऐड हो गए, इंसर्ट हो गए, आपको उसको मॉडिफाई करना है तो क्या यूज करेंगे आप, अपडेट क्वेरी। और अगर आप उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर डिलीट क्वेरी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतने ही कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। तो डेटाबेस का जो टॉपिक था यानी कि जो डीबीएमएस का जो टॉपिक है, ठीक है, ये पूरी यूनिट फ्रेंड्स हम लोगों ने अब कवर कर ली है, मतलब इस यूनिट से रिलेटेड ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक्स थे सारे के सारे हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने के वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से आने वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।